हेलो हाँ नमस्कार जी, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, आ रही है सर। ओके ठीक है, थैंक्स। से लोग और आ रहे होंगे। डॉक्टर विनयशील, आपने हाथ उठाया था क्यों? आप में से किसी ने कुछ पूछना हो? नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते जी, क्या हाल है? चाय का कप आ गया? जी सर। चाय आ गई कि नहीं? जी आ गए सर। चाय पीते रहिए ताकि नींद ना आए। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? बस बढ़िया सर, एकदम फर्स्ट क्लास। नमस्ते रंजना जी, क्या हाल है? अच्छा, आप में से किसी ने कुछ पूछना हो जो कि हमारे नवमांशा से रिलेटेड हो, अभी तक पढ़ाए बार? डॉक्टर अरविंद, वो जो पूरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया? बस सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा आपको 10 दिन और लगेंगे रिकवर करने में पूरा? नहीं, मतलब अभी हो गया पूरा रिकवर। अब मैं ऑफिस जाना शुरू कर दिया, 3-4 घंटे जाता हूँ रोज। ओह माय गॉड, वाह। अच्छा डॉक्टर अरविंद पाराशर साहब, ऐसा है कि जो आपने भुट्टो साहब का लिखा था ना, तो वो उनकी जो डेथ का आता है वो 64वें नवमांश लगन का, जो उनका लगन का 64वां नवमांश है, उसके ऊपर से गोचर करने वाले ग्रहों से उनका एक्चुअली जो फोर्थ हाउस है, आपने जैसे लिखा था कि वो, बाकी तो बातें जो आपने लिखी थी वो तो बिल्कुल आपने ठीक लिखा था, क्योंकि वो नवमांश का एक संबंध होता है। बोलो मत। जो आपने जो लिखा था उसमें बिल्कुल आपने ठीक लिखा था, क्योंकि डेथ जैसी कोई चीज अगर होती है तो उसका संबंध जो है एट्थ हाउस से, या एट्थ हाउस के नवमांशा से, या कोई नेगेटिविटी इस तरह की जो आपने सारी मेंशन की थी वो बड़ा अप्रोप्रिएट था। किंतु जो 64वें नवमांश का जो कॉन्सेप्ट था वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की डेथ को लेके हुआ था, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारा जो है वो मान सम्मान का भी घर है। फोर्थ हाउस से हम ये देखते हैं। डॉक्टर विनयशील, क्या हाल है? फोर्थ हाउस से एक्चुअली हम देखते हैं सेल्फ एस्टीम का लेवल हम देखते हैं, और सेल्फ एस्टीम मीटिंग दी पब्लिक एस्टीम, तो उसके लिए फोर्थ हाउस एक पिविटल हाउस है। इसीलिए वो मोरालिटी का भी है, हाउ सोसाइटी वुड लुक एट अस, और उसमें फोर्थ हाउस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो उनके नवमांश में चौथे का लगन के चौथे से, जो कि नवमांश के लगन के चौथे से निकलेगा लगन का 64वां नवमांश, उनके 64वें नवमांश की एडवर्स दशा जो चल रही थी उसमें उनके एर्थ हाउस के प्लैनेट्स का रोल था, और उन प्लैनेट्स का जो रोल था वो मैं, अब सदप ने लिखा है तो मैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की कुंडली एक बार सुनील जी से पूछ लूँ। मैंने पहले जब बात की थी उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि अभी एस्ट्रो पाठशाला जो है वो कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहता, तो इसलिए फिर भी अगर मैं उसको कुछ पॉइंट्स तो आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन बेसिकली जो निकलता है वो 64वें नवमांश से ही वो पूरी तरह से निकलता है। ये आपकी आवाज़ कम है सर। आवाज़ कम आ रही है? हाँ, वॉल्यूम जरा। हाँ अब बताइए, अब कैसी आ रही है? अब आवाज हमें ठीक आ रही है सर। अच्छा, हमारी तो ठीक आ रही है, मेरे पास कम थी। चलो कोई ना, अगर आप में से किसी को भी परेशानी हो रही है तो मैं आपको एडजस्ट। हमारी तो बहुत क्लियर आ रही है, बहुत क्लियर आ रहा है। चलो नहीं, आप बताइए डॉक्टर अरविंद, आपको अभी बेटर भी है इस पोजीशन पे? अगर मैं, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, मैं थोड़ा करीब। देखिए आज जो हम करने जा रहे हैं इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एक्चुअली जो हमने कुछ टॉपिक जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक टॉपिक मैंने आज आप लोगों को डाला है, ये बहुत
क्योंकि बहुत छोटे आपको शॉर्ट नोटिस पे डाला है, ये दो पार्ट में है। एक तो चंद्रमा, चंद्रमा जो है इस बात को डिसाइड करता है कि हमें ओवरऑल हमारे को जिंदगी के अंदर एक्चुअली हैप्पीनेस जो है कोई स्टैटिक वर्ड नहीं है, एक रिलेटिव इंडेक्स का है। मतलब एक चीज एक आदमी को बहुत हैप्पी बना सकती है और एक चीज जो है दूसरे आदमी को अनहैप्पी बना सकती है। मतलब ये हैप्पीनेस जो है वो एक तरह का एक रिलेटिव इंडेक्स है। जैसे एक पति जो बहुत अच्छी बिहेवियर में है, वो पति जो है एक व्यक्ति के लिए देवी का स्वरूप हो सकती है और बहुत हैप्पीनेस का कारण हो सकती है। वहीं दूसरे व्यक्ति की को अपनी पत्नी में एक सर्टेन डिजायरेबल चीजें कमी दिखाई पड़ सकती है। वो ये सोच सकता है कि वो इतना उनका कलर उतना साफ नहीं या वो इकोनॉमिक कंपेनियन नहीं। तो ये जो हैप्पीनेस है ये डिफरेंट परसीव्ड होती है, इसलिए इसके मापदंड हर आदमी के साथ में डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग जो है वो जॉब और प्रोफेशनल एरिया में एक्सेलेंस में हैप्पीनेस डिराइव करते हैं, कुछ लोग बच्चों की तरक्की को लेकर बहुत हैप्पी होते हैं, और कुछ लोग जो है एक अच्छी पत्नी का होना डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होना ये एक बहुत प्रसन्नता का विषय लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो बड़ी क्षणिक प्लेजर वाली जो चीजें हैं वही उन्हें हैप्पीनेस देती है, जैसे नई गाड़ी ले ली या उनका कोई अफेयर हो गया या उन्होंने को मकान बना दिया वो बिल्कुल शो करने के लिए, या उन्होंने बच्चे की शादी करोड़ों रुपये से कर दी, उनको लगता है कि उससे राज समाज में उनकी इज्जत एनहांस हो गई। तो ये जो इंडेक्स है हैप्पीनेस का इंडेक्स है ये डिफरेंट है फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि कॉमन है। हैप्पीनेस जो है वो कुंडली के अंदर उसका पूरा जो दारोमदार है वो एक ग्रह के ऊपर है, वो है चंद्रमा के, क्योंकि चंद्रमा मानसो जायते, चंद्रमा मन का कारक प्लैनेट है, और वो किन बातों से और चंद्रमा की जो प्रकृति है वो भी डिफाइन होती है। देयर आर फाइव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनके द्वारा चंद्रमा की ताकत का अंदाजा कुंडली के अंदर लगता है, और पांच तरीके से, आप लोगों को इतना समय नहीं मिल पाया हुआ देखने का लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हम ये तीन टेम्पलेट जो मैंने आपको दिए हैं, एक हमारा डिस्पोजिटर का है, वो डिस्पोजिटर का इसके बाद हम तुरंत इसके बाद हम डिस्पोजिटर का भी करेंगे, क्योंकि वेल्थ वाला जो हमारा मॉड्यूल है उसमें डिस्पोजिटर इफेक्ट दिखाया गया। तो उसके पहले मैंने कहा ये अप्रोप्रिएट होगा कि हम सिस्टमेटिकली चलें और आपको सबसे पहले इस बात से वाकिफ कराएं कि डिस्पोजिटर का रोल कितना इम्पोर्टेंट कुंडली के अंदर होता है, तो उस तरीके से हम चलेंगे। उसके बाद फिर हम वेल्थ वाले पे जाएंगे, और फिर हम जो है नौमांशा का चंद्रमा का इफेक्ट हम देखेंगे। हाँ सीमा जी बोलिए। सर आप चाहे तो आज भी मेरे क्वेश्चंस बाद में ले लेना, वैसे पिछले उससे रिलेटेड है, पिछले लेक्चर से आप लास्ट में ले लीजिएगा। मेरे ख्याल से लास्ट में ही हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, उसमें एक अच्छा ये रहता है कि जिनको जो देखना चाहते हैं वो लीव करना चाहते हैं, जिनको बाद में वीडियो में देखना होता है तो वीडियो तो लोग पूरा ही देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन कई बार। नमस्ते, क्या हाल है? बस सर बढ़िया, ड्राइव करते हुए क्लास ले रहा हूँ आपकी। बहुत अच्छी बात, very happy with your presence, बहुत अच्छी बात। गुरुजी मैं जरा क्षमा चाहता हूँ, मेरा घर का दोनों डेस्क ऑक्यूपाइड है तो हमको जमीन पे फ्लोर पे क्लास ले रहे हैं, तो इसलिए हमको इस तरह से टेढ़ा होकर बैठना पड़ रहा है। बात नहीं, बिल्कुल भी कोई चिंता की बात नहीं, हमारे वहाँ पे हम आराम नहीं कर रहे हैं, हम फुली अटेंड। डॉक्टर विनयशील हमारे वहाँ पे ना एक चीज की मनाही है, वो है कि आपका वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। वीडियो अगर आपका ऑन है और आप वीडियो के सामने अपनी आंख निकाल के लगा दें और चाहे आप इधर उधर घूम रहे हो तो भी हमें वो हमारे को चलता है। एक कान निकाल के लगा दें वीडियो के सामने और एक आंख लगा दें तो पूरा लेक्चर देखो। आज तो लग रहा है सब जने टेटिव रहेंगे, आज सब जने टेटिव रहेंगे, सबको वीडियो ऑन रहेगा। लास्ट टू क्लास है ये सुन के तो ये हो गया। नहीं वो मेरा भी ऐसा मकसद नहीं था, दर्शन तो बहुत जरूरी है। नहीं मैं जो है ना इसका मेरा भी मकसद नहीं था किसी को हर्ट करने का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग उतनी मेहनत करें जितनी मैं करूँ और मेरे साथ में आप रेस में पार्टिसिपेट करें। अच्छा देखिए सबसे पहले सर नमस्कार, नमस्ते गुरु जी, एक सवाल पूछना था।
वो एक जेनरिक सा सवाल है गुरुजी। गुरुजी आपके चेहरे पे इतनी जो रौनक है और चमक है उसका क्या पीछे क्या राज है? देखिए आप ये बात मत कीजिए, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो अगली क्लास में मैं यहाँ से एक नींबू और कुछ मिर्ची जो है दोनों कानों से मैं लटका के बैठूंगा। वेरी गुड। या गले में चप्पल डाल के बैठूंगा, चार मिर्चे रख के बैठेंगे, यहाँ लिखा होगा बुरी नजर वाले। वेरी गुड। ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में क्या है कि मैं एक्चुअली ये समझिए कि आप लोगों के साथ मिलना होता है थर्सडे और फ्राइडे को, मैं उसमें उसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है और पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आई लुक फॉरवर्ड टू क्लासेस लाइक दिस। तो ये भी एक कारण है खुशी का, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हैप्पीनेस का इंडेक्स हर एक के लिए डिफरेंट है। मेरा हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है वो इस बात से है कि अगर मैं किसी के जीवन में कोई उन्नति कर पाऊँ अपने हर वो ज्ञान के द्वारा या हर उस स्किल सेट के द्वारा जो मैंने बहुत सालों में काफ़ी रिसर्च करके मैंने प्राप्त किए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये सभी को सिर्फ वो लोग, और ऐसे नहीं छोड़ना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो आगे चलती रहें, वो आगे तभी चल पाएंगी और इम्प्रोवाइज होकर चल पाएंगी जब एक फर्टाइल माइंड उसको सुनेगा। और फर्टाइल माइंड के लिए कुछ शर्तें हैं कि एक अच्छा विद्यार्थी होना, शुद्धय होना, कंसंट्रेशन के साथ बैठना, थका हुआ नहीं होना, एक चाय का कप पहले ले लेना ताकि नींद ना आए तो क्लास के बीच में, तो वो सदब के ऊपर लागू होता है। तो आज जैसे डॉक्टर प्रभा शर्मा जी का आज वो बच्चों का क्लास की जो है कॉपियां आज उनकी जांची जा रही हैं, तो प्रभा जी का मुझे पर्सनल मैसेज पे आया था कि उनका एक टाइम बाउंड होता है, उसमें आज और कल दोनों दिन का उनको बस दो ही दिन का समय मिला है, जिसमें उन्होंने सभी गणित की जो परीक्षा जो बच्चों ने दिया उसकी कॉपियां उनको आज ही उनको वो कॉपियां मिली हैं और आज ही उनको कंप्लीट करना आज और कल में और सबमिट करने मार्क्स। तो कुछ लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम आती हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है वो एक उन्होंने ये वादा किया कि मेरे को उसको पढ़ेंगे और वीडियो को देखेंगे। अच्छा, गेटिंग बैक टू दिस, तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जिस चीज को आज करने जा रहे हैं वो इस वजह से हम मून को करने जा रहे हैं। तो लेट अस कम टू दिस नाउ। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मून को हम सबसे पहले तो हैप्पीनेस के साथ में लिंक किया जाता है और मून को समझा बहुत कम गया है। मून के मतलब आप लोगों के जो आपके आपके बेसिक कोर्स में भी, एडवांस कोर्स में भी, इन सभी स्थितियों में मून को सबसे ज्यादा डिफाइन किया जाना चाहिए था। अगर जैसे मैं अपनी क्लास में कम से कम 3 से 4 क्लासेस जब मैं अपने कोर्सेज रन करता हूँ तो 3 से 4 क्लासेस में मून को, हर प्लैनेट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें मून पे मैं सबसे ज्यादा एम्फसाइज करता हूँ। उसका कारण है कि हर जो काम हम इस जिंदगी में करते हैं उसके पीछे एक ही भावना होती है, वो है इनर हैप्पीनेस की प्राप्ति। अब इसका मिराज एक दूसरा है, मिराज का मतलब है मिराज, जैसे रेगिस्तान में आपको पानी दिखाई पड़ता है फिर वो जाता है तो पानी और दूर होता चला जाता है, उसको पानी नहीं मिलता, उसे मिराज कहते हैं। ये मिराज जो है हर एक के साथ में फर्क होता है, उसे लगता है मुंसिफी में निकल जाएगा तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट बन जाएगा तो उसको बहुत इनर हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत सेलिब्रेट करेगा, वो फिर क्षणिक हो जाता है। फिर उसको लगता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो जाऊँ, फिर लगता है डिस्ट्रिक्ट जज हो जाऊँ, फिर उसको लगता है हाईकोर्ट में एलिवेट हो जाऊँ। तो कहने का मतलब है कि वो मिराज की तरह से चलता रहता है और वो हर जीवन के हर क्षेत्र में होता है। लेकिन कुंडली में अगर आप अच्छी तरह से अगर आप एनालाइज कर लें चंद्रमा की स्थिति को, तो ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये थी, मेरे वहां पीछे कारपेंट्री का काम, कारपेंट्री का मेरे वहां पे काम चल रहा था, तो उसमें जो कारपेंटर था वो बहुत स्माइलिंग था, बहुत अच्छे स्वभाव का था और वो हर चीज की प्रशंसा कर रहा था। उसमें मेरे बोर्ड्स जो हम लेके आए थे उसने वो भी उनको बहुत अच्छा कहा, और उसने जब काम किया तो वो अपने वो साथ में उसने गाने लगाए हुए थे अपने उस पे मोबाइल पे, उनको सुनते हुए उसने बहुत अच्छा काम किया। और जिस समय उसकी बात हुई तो उसने कहा कि आपने रेट बता ही दिया है, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। तो उसने कोई संशय नहीं दिखाया, उसने जो मैंने पैसा दिया
तो मैंने खुश होकर उसको थोड़ा इनाम भी दिया। तो बाद में मैंने वो उसने जो व्हाट्सएप पे लिया तो मैंने उसकी डीपी देखी तो वो बड़ी एक हैप्पी सी पिक्चर हस्बैंड वाइफ की उसने लगाई हुई थी और वो हमेशा मुझे जो भजन आज भी कॉन्टेक्ट में है तो भजन भेजता रहता है श्री कृष्ण भगवान के। तो ये एक एटीट्यूड की बात है। तो हैप्पीनेस इस बात की मोहताज नहीं है कि जिंदगी में आपने क्या प्राप्त किया है। हैप्पीनेस इस बात की भी मोहताज नहीं है कि कितना पैसा आपको मिलेगा या आपकी कितना डिजायर फुलफिलमेंट होगा। हैप्पीनेस पूरी तरह से ये एक फैक्टर है जो कि आपके ऊपर निर्भर करता है और आपकी कुंडली के चंद्रमा पे निर्भर करता है। तो आज हम इसको इसलिए करेंगे क्योंकि आपको अगर एक बार समझ में आ जाए कि किस तरह से अपने चंद्रमा को बलवान करना है तो जिंदगी में आपको कभी भी मतलब आप जो है जो इनएविटेबल है जो कि अवश्यम भावी है जैसा कि होना ही है उन बातों से कभी आप दुखी नहीं होंगे। जिंदगी के अंदर इस तरह की घटनाएं एक पार्ट एंड पार्सल है, हर एक की जिंदगी में होती है। कभी एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी कोई दुख आता है, कभी बच्चा अच्छा नहीं करता या क्षणिक रूप से बच्चे का कंसंट्रेशन खराब होता है, कभी पत्नी के साथ में बहस हो जाती है, ये सारा इनएविटेबल है। ये हर एक की जिंदगी के अंदर ये स्पाइसेस आते हैं। लेकिन अगर एक बार हमारा चंद्रमा उसमें स्ट्रेंथ में आ जाता है कुछ काम करने की वजह से और कुछ उपाय करने की वजह से हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। हम उन चीजों को एंजॉय करने लगते हैं, हम छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ढूंढने लगते हैं। और जिंदगी को जीने की कला ही ये है कि छोटी छोटी चीजों में आपको एक काफी ज्यादा खुशियां मिलनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है कि जो चंद्रमा है वो उसे एक बड़ा क्रिटिकल कॉम्पोनेंट माना जाता है जो कि डीप एनालिसिस की इसको रिक्वायरमेंट है क्योंकि वही हैप्पीनेस के साथ में लिंक है परिवार के। मून किन किन चीजों का कारक है उसे आप लोग जो जानते हैं लेकिन उसको फिर आपको मैं रीट्रेट कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये माँ का कारक है, ट्रैवल का भी कारक है, जैसे आप घूमने फिरने जाते हैं उसमें एक्सकर्शन का कारक है। एक्सकर्शन का मतलब जब आप फैमिली के साथ में घूमने जाते हैं, प्लेजरेबल ट्रिप्स पर जाते हैं। और ये यहाँ पे हार्ट एंड माइंड जो लिखा हुआ है ये बेसिकली हर काम जो पैशनेटली किया जाता है, हार्ट नॉट एज ए हार्ट, हार्ट एज एन ऑर्गन कम्स अंडर सन, वो सूर्य के अधीनस्थ है क्योंकि वो हार्ट जो है जिस तरह मसल्स के साथ में बना हुआ है सूर्य का उस पर अधिकार है, लेकिन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उस पर मून का अधिकार है। इसलिए हार्ट का जीवंत तो होना, और यहाँ पे हार्ट मेटाफोरिकल भी लिखा हुआ है। मेटाफोरिकल का मतलब होता है एक सिमिली के रूप में लिखा हुआ है, उपमा के रूप में लिखा हुआ है, यही समझने की स्थिति को बताने के लिए लिखा हुआ है। जो भी काम आदमी दिल से करता है, जो भी काम आदमी पैशनेटली करता है वो चंद्रमा का क्षेत्र है। और जो माइंड है हमारा यानी हमारा सोचने का जो तरीका है, इमोशंस है, हमारी भावनाएं हैं, और जो ब्लड है, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन जो है वो मंगल के अधीनस्थ है, लेकिन ब्लड का प्लाज्मा सीरम और जितने भी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स वगैरह हैं वो सब चंद्रमा से आते हैं, यानी उसका जितना भी लिक्विड का एरिया है वो चंद्रमा का अधीनस्थ है। इसके अलावा जितने भी लिक्विड्स हम लेते हैं वो चंद्रमा से आते हैं। गार्डनिंग का जितना शौक है वो चंद्रमा से आता है, फ्लावर्स का, वेजिटेशन का, जितनी भी ये जमीन से उत्पादन जो हो रहा है, फ्लोरिकल्चर है जैसे कि फूलों की क्यारियाँ लगाना, वो सब फॉरन की ट्रेवल्स हैं, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चंद्रमा के अधीनस्थ हैं। सेंट है, नेचुरल ब्यूटी है, रिचेज है, चंद्रमा बहुत धन देता है और बहुत जबरदस्त कैश बैलेंस का कारक है। जितना भी आपके पास बैंक बैलेंस या लिक्विड कैश है उसका वो चंद्रमा के अच्छे होने से आपके पास होता है। इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल डिशेज हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो टेस्ट बड्स का कारक है, जो जीभ में हमारी टेस्ट बड्स होती हैं, तो चंद्रमा जो है वो फूडी माना जाता है और स्वीट एंड सार एंड इस तरह के टेस्ट होते हैं, कॉन्टिनेंटल डिशेज हैं, छप्पन भोग है, सब चंद्रमा के अधीनस्थ हैं। हैप्पीनेस जो खुशियां हैं वो चंद्रमा से आती हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड चंद्रमा से आता है, हनी फ्लूइड इन द बॉडी ये सब चंद्रमा से आते हैं। रमेश जी मैं आपके पास में रिवर्ट करूंगा अभी, मुझे एक मिनट इसको पहले पेज को खत्म कर दीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। फ्लूइड जो है बॉडी में है वो इससे आता है। मैन वाइफ गुड रिलेशन मतलब पति पत्नी के जो संबंध होते हैं साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी वाले, एक माधुरी के जो संबंध होते हैं वो चंद्रमा के अधीनस्थ हैं। इसके अलावा गुड बैड प्लेजर, एक जो शारीरिक संबंध होते हैं उसमें भी चंद्रमा के ही वो अधीन आता है,
अच्छे चंद्रमा से उसको देखा जाता है। स्वीट वॉइस, किसी की वॉइस का मेरी तरह नहीं, जैसे मेरी वॉइस में तो मंगल बैठा हुआ है तो बिल्कुल ऐसा परेड किसी वॉइस है, परेड थम और पड़े दाएं घूम और दाएं घूम। लेकिन बहुत से लोग जिनके चंद्रमा है सेकंड हाउस का या चंद्रमा जो है उनका फर्स्ट हाउस का है, तो उनकी बड़ी स्वीट वॉइस होती है। जब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम में सुनील जी के साथ मिलके मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंटर चलाया था 2010 से 11 16 मंथ्स हमने चलाया था, 62 लैक्स का उनको काम करके दिया था और काफ़ी अग्रणी होकर हम लोगों ने काम किया था। तो उस टाइम पे जो गगन शर्मा जी किंगडम ड्रीम के मालिक हैं उनकी वाइफ नीलिमा शर्मा, बहुत ही स्वीट वॉइस, इतना मॉडस्टी ह्यूमिलिटी मैंने आज तक किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं देखा कि वो अपने ड्राइवर को भी ड्राइवर जी कहती थी। 1200 करोड़ का रिटर्न भरने वाला व्यक्ति, लेकिन उनकी वाइफ की मॉडस्टी देख के वो हमारे सामने भी खड़ी हो जाती थी, नमस्ते करती थी और हम लोगों को हर तरीके से एक अतिथि सत्कार वगैरह में होती थी। और बोलना उनका ऐसा था कि ऐसा लगता था कि जैसे मोती से बिखेर दी, मतलब तो की बात सुनने के लिए हम लोग बड़े रैप्ट अटेंशन से सुनते थे। चंद्रमा उनका दूसरे भाव में बैठा हुआ था। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो स्वीट वॉइस है वो, अब जैसे लता मंगेशकर जी का है उनका चंद्रमा तीसरे का है, जो जहाँ से हम कम्युनिकेशन देखते हैं, तो ये जो सॉन्ग्स हैं फाइन आर्ट्स हैं क्योंकि वो क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का भाव है थर्ड हाउस, तो चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है उसमें। इसके अलावा जो सॉन्ग्स होते हैं, गाने सुनने की आदत है, फाइन आर्ट्स, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग ऑफ पोइट्री लिटरेचर, नज्म, शेर व शायरी, ये सब ये चंद्रमा के अधीनस्थ हैं। जो इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, स्टिचिंग वर्क है, कुकिंग है, सोशलाइजिंग, क्योंकि ये चंद्रमा जो है दिल का प्लैनेट है, तो सोशलाइज आदमी कब करता है, जब दिल से इच्छा उठती है कि मुझे मिलना चाहिए, अपने मित्रों से मिलना चाहिए, बहन से मिलना चाहिए, भाई से मिलना चाहिए, क्योंकि ये दिल के मैटर है, ये कोई ऐसे अटेंडेंस देने वाले नहीं है। तो इसलिए आप ये समझिए, आप में से जिसका भी चंद्रमा अच्छा होगा वो मेरी क्लास में बड़ा पैशनेटली आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि क्लास थर्सडे से फ्राइडे होनी है और भंडारी साहब जो है वो हो सकता है कि टिट फॉर टैट की तरह मेष लगन के होने की वजह से कुछ लिख देंगे और मेरा नाम ले लेंगे, तो इसलिए मुझे आना है, अटेंडेंस दिखानी है। नहीं, जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो बड़ा पैशनेट होता है, जो भी चीजें वो करता है वो 100% दिल से करता है, उसे इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि ये इन क्लासेस के अंदर बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन बड़े लॉजिकली दी जाती है। देखिए शिक्षक हर एक की, शिक्षक की जो स्टाइल ऑफ टीचिंग में फर्क है, एक व्यक्ति जो है उन्हीं चीजों पे कहानी के रूप में कह के आपको बता सकता है तो आपका इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है, लेकिन एक आदमी बहुत इंफॉर्मेशन को पर्टिनेंट वेज में वो तो कितने अप्रोप्रिएट तरीके से और उनके इलस्ट्रेशन के साथ आपको समझा सकता है ताकि आपका उससे तादाद में बन जाए, आपकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो जाए उस सब्जेक्ट मैटर से और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये इसमें जो पैशन टू डू समथिंग वो चंद्रमा का अधिकार क्षेत्र है, उसके लिए अच्छा चंद्रमा होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीचिंग है, कुकिंग है, सोशलाइजिंग है, सेल्फ ग्रूमिंग है। सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब बहुत से लोग जो हैं वो बाल खड़े हैं, मुंह धुला नहीं है, बट वो हर एक से बाहर निकल के मिल जाते हैं, वो कहते हैं वो ये तो ड्राइवर है, डजंट मैटर कि मैं वेल ग्रूम्ड हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन एक आदमी जिसका चंद्रमा अच्छा होगा वो इन सब बातों का ध्यान रखता है, सेल्फ ग्रूमिंग का ध्यान रखता है वो। इसके अलावा आपके जो है पर्सनल एंड हाउस होल्ड हाइजीन, ये चंद्रमा के बहुत बड़ा क्षेत्र है। चंद्रमा जिनका अच्छा होता है वो पर्सनल लेवल पे वो हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, यानी प्रत्येक दिन वो स्नान करते हैं, हाउस होल्ड हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, घर में सफाई होती है, साफ सफाई होती है, पोछा लगता है। अब कोविड के टाइम पे मेड सर्वेंट नहीं आ रही थी, लेकिन जिनका भी चंद्रमा, जिनकी वाइफ का या खुद का चंद्रमा अच्छा होगा तो वो उन्होंने ब्रूम को अपने हाथ में उठाया होगा और साफ सफाई की होगी। कई बार आप देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो खुद भी घर की सफाई करते हैं और मेल मेंबर होने के बावजूद, काम करने वाले अर्निंग मेंबर होने के बावजूद, उनको जब मौका लगता है तो वो चीज़ों को संभालते हैं, सजाते हैं और अच्छा करते हैं। तो ये भी चंद्रमा का एक विषय है। स्विमिंग का शौक होना,
इसके अलावा ये जो खाने पीने की चीजें आपको दी जा रही हैं या जो चीजें मैं आपको अब बता रहा हूँ इसके अंतर्गत चंद्रमा के पोर्टफोलियो में, उनको परस्यू करने से आपका चंद्रमा बहुत इंप्रूव करता है। तो यानी कि आपको इनसे संबंधित चीजों में आपको जाना चाहिए। अगर आप चंद्रमा को अपना सुधारना चाहते हैं तो आप फ्लोरिकल्चर लगाइए, आप गमलों में, अगर आपके पास में घर में जगह नहीं है तो गमलों में आप फूल लगाइए और फूल जो है फ्लावर्स अपने बालकनी में लगाइए, इससे आपका चंद्रमा इम्प्रूव होता है। आप खाने में हनी को जरूर लें, कर्ड को जरूर लें, राइस है, कर्ड है, और गुड स्लीप। गुड स्लीप बहुत जरूरी है चंद्रमा के लिए। अगर आपने ये कर दिया कि रात को आप जो यहाँ पे ऑफिस का काम कर रहे हैं लेट आवर्स तक और आप अपने आप को स्लीप डिप्राइव्ड कर रहे हैं, स्लीप आप नहीं ले रहे हैं प्रॉपरली, तो समझिए कि आप अपने चंद्रमा को हानि पहुंचा रहे हैं। गुड स्लीप है, मेडिटेशन है, प्रतिदिन मेडिटेशन करने से चंद्रमा बहुत इंप्रूव होते हैं। प्रेजिंग पीपल, लोग कभी कभी जो है दूसरों की प्रशंसा करना एक लाइबिलिटी समझते हैं। मेरे जब मैं पहले जॉब में था तो यूनाइटेड इंडिया पीरियडिकल्स में, सेकंड जॉब में था मारुति के बाद, तो मैं उस समय हमारे एक बॉस होते थे मिस्टर विनोद बेरी, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी सी है तो हो सकता है आप में से किसी के साथ वो संपर्क में बाद में आए हों, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उन्होंने मुझे जिंदगी में एक प्रैक्टिकली मतलब उनके बिहेवियर ने मुझे जो समझा दिया वो कोई समझा नहीं सकता। He was so modest, इतने रीजनल मैनेजर के लेवल पे होते हुए भी वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव तो छोड़िए, वो हमारे क्लरिकल स्टाफ को भी बहुत इज्जत देते थे और प्रशंसा बहुत करते थे, उन्हें कोई ना कोई और बड़ी जेन्युइन प्रशंसा करते थे, उन्हें कभी भी ऐसी नहीं जिससे जो से ठारिकल लगे, ऐसा कभी उन्होंने किसी को प्रशंसा ऐसी नहीं की जो कि उस व्यक्ति को आभास होगी ये तो थोड़ा एक्सेस हो गई। आप किसी काले व्यक्ति बोल दें आप कितने गोरे हैं तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि ये तो सटार मेरे ऊपर मारा जा रहा है, ये तो एक कटाक्ष मारा जा रहा है, ये तो मेरी हंसी उड़ाई जा रही है, ऐसा कभी नहीं। वो हमेशा कोई ना कोई अच्छी चीजें उनको दूसरे में दिख जाती थी। और इवन हमारे ऐसे ऑफिसर्स जिनको हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनेरियन मानते थे और हमारे स्पेस को वो कम करते थे, तो उनको भी वो कोई ना कोई अच्छी बात, उनको भी उनके चेहरे पे भी वो हंसी खुशी उल्लास प्रसन्नता जिसका चंद्रमा कारक है वो सारी चीजें स्प्रेड करते थे। तो प्रेजिंग पीपल, मेकिंग अदर्स हैप्पी, जब आप कोई काम ऐसा करते हैं जैसे कि दूसरे को प्रसन्नता मिलती है। मदरली केयर, ये क्योंकि माँ का प्लैनेट है तो जो मदरली केयर होती है वो हाईएस्ट ऑर्डर की केयर मानी जाती है, और ये इसे आप उपमा के रूप में भी, इस सिंबली के रूप में भी आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज की मदरली केयर अगर आप करते हैं, एक मदर जो है अपने चाइल्ड की उतनी केयर करेगी उतना आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाए तो आप समझिए कि आप बहुत केयर करते हैं। आप फिर पिता होते हुए भी अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं, मित्र होते हुए आप मित्र की बहुत केयर करते हैं। अगर आप मदरली केयर के लेवल पे आ जाए, स्माइलिंग फेस, वन शुड ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस, ये चंद्रमा को इम्प्रूव करता है। नेचुरल ग्लो और लस्टर इन द फेस, ये सारी चीजें स्माइलिंग फेस से कनेक्टेड भी हैं। हम्बल एंड पीसफुल बिहेवियर, हम्बल का मतलब है कि झुक जाना और पीसफुल बिहेवियर। अब इसी का जो उल्टा है कि अगर एक बैड मून है तो क्या करेगा, अगर एक खराब मून है तो आदमी को इरिटेबल टेम्परामेंट देगा या वो छोटी बातों में बहुत इरिटेट होगा, उसको सडन बाउट्स ऑफ एंगर होंगे, यानी उसको अचानक गुस्सा आ जाएगा छोटी छोटी चीजों में, वो इतना इरिटेट होगा, उसको ओवर एंग्जाइटी होगी, उसको चिंताएं जो है बहुत ज्यादा होंगी, उसकी सेक्स लाइफ बैड होगी, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का वो ध्यान नहीं रखेगा, यानी कहने का मतलब प्रतिदिन स्नान नहीं करेगा या वो खाने के पहले हाथ नहीं धोएगा या वो ब्रश नहीं करेगा, उसकी बड़ी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होगी। ये सब चंद्रमा के खराब होने से भी होता है और वाइसे वर्षा भी है। वैसे वर्षा का मतलब अगर हम इस तरह की चीजें करते हैं तो भी हमारा चंद्रमा बहुत खराब होता है। कई बार हम संडे को बहुत सीडेंटरी हो जाते हैं, संडे को हम बहुत आराम तलब हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने ब्रश भी नहीं किया हुआ है, हमने बेड पे ही हमने जो टेबल लगाई और उसी पे हमने ब्रेकफास्ट ले लिया, ये सब गलत है, क्योंकि आपने अपने चंद्रमा को इम्प्रूव करना है, क्योंकि चंद्रमा आपके हंसी खुशी उल्लास प्रसन्नता और इनर हैप्पीनेस से संबंधित प्लैनेट है।
आप उसका जितना ज्यादा केयर करेंगे, उसकी सिग्निफिकेशन को फॉलो करते हुए, उतना अच्छा आपके जीवन में खुशी का आगमन होगा। तो इससे चंद्रमा के बैड होने से लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन होती है, और कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो चंद्रमा के खराब होने से होते हैं, जैसे कि OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इस तरह का एक डिसऑर्डर माना जाता है, जो डॉक्टर विनय सिंह, क्योंकि हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, तो आपको इस पर ज्यादा पर्सनल मैसेज में या हमारे ग्रुप में वो डाल देंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा स्निपेट दे दूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी का लेवल है, जिसमें आदमी इतना एंग्जाइटी में आ जाता है कि क्या होगा। दूसरा, वो अपने तालों को 2 से 3 बार चेक करता है, थोड़ा सा जाएगा तो उसको लगेगा मैंने गैस नहीं बंद की, या मैंने पंखा नहीं बंद किया, या मैंने लाइट नहीं बंद की, तो वो फिर रिक्वेस्ट करेगा कि घर वापस चले, घर वापस चलते हर चीज को दोबारा चेक करेगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आदमी की एंग्जाइटी का लेवल काफी ज्यादा होने लगता है चीजों के बारे में, और छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा। जैसे कहने का मतलब है कि वो अपने हस्बैंड को, अगर किसी लेडी को हो जाए उसी दी, तो हस्बैंड को हर 1 घंटे में फोन करेगी कहाँ हो। अगर उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक सस्पिशन के साथ हो गया उनके रिलेशन को लेके, तो कहेगी अच्छा बॉस के साथ मुझे बात कराओ, भाई बॉस है, फ्रेंड के साथ तो फ्रेंड से बात कराओ। तो ये OCD के कुछ लक्षण हैं जो कि ऑब्सेसिवली वर्क करते हैं माइंड के ऊपर, जो इस साइकेट्रिक डिजीज से सफर करता है। बच्चों के अंदर ADHD जो होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये भी चंद्रमा की देन है, जिसमें बच्चे अटेंशन सीकर हो जाते हैं और वो कई बार आपका फोन तोड़ देते हैं, या आपका कैमरा तोड़ देते हैं, या आपका TV तोड़ देते हैं, क्योंकि आप उनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे। नॉर्मली जो है क्लास में टीचर का पर्सनल, जब पेरेंट टीचर मीट में जब आपसे मुलाकात होती है, तो वो टीचर्स के साथ में बच्चे की मिसबिहेवियर को बताते हैं, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ में बच्चे की मिसबिहेवियर को बताते हैं, क्योंकि बच्चा कंपल्सिवली अपने अटेंशन को ड्रॉ करता है, झगड़ा करके, इरिटेट करके, दूसरे का लंच बॉक्स से लंच खा लेना, टीचर को कोई गलत बात बोल देना। तो ये ADHD का जो फैक्टर है, ये भी डिसऑर्डर मूड के खराब होने से आता है। इसके अलावा जो एक्सेसिव जंक फूड खाते हैं, वो भी चंद्रमा का एक डिसऑर्डर्ड तरीका है। ओवर सेक्स होना, उसकी डिमांड करना, हर चीज का एक बैलेंस लाइफ के अंदर होना चाहिए। जैसे कि आप वेजिटेबल को अच्छी बनाते हैं, या फिर दाल बनाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नमक नहीं डालते, आप बहुत ज्यादा हल्दी नहीं डालते, क्योंकि ज्यादा हल्दी डाल के ऑरेंज कलर हो जाता है और वो कड़वी हो जाती है दाल। उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू से ज्यादा अहमियत है। जब आप भोजन बना रहे हैं तो हर चीज को बैलेंस पर रखें। उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर बहुत सी चीजें हैं, हमारा रोल है एज ए कंपेनियन का, हमारा रोल है एज ए फादर का, हमारा रोल है एक ब्रदर का, तो उन सभी चीजों को एक बैलेंस के साथ लेके चलते हैं। उसी तरह से आदमी का मैन वाइफ रिलेशन वाला भी एक रोल है। तो जो लोग ओवर सेक्स के हैं, वो भी उस बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं, ये एक चंद्रमा के खराब होने से होता है। नेवर सेटिस्फाइड विद अदर्स, कभी भी दूसरे के साथ में संतुष्ट ना होना, मीन मेक निकालना, नेगिंग होना, फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स, दूसरों की गलतियां ढूंढते रहना, ये एक बैड मून की निशानी है। और मैंने आपको बताया वाइस वर्सा भी है, कभी किसी दशा के अंतर्गत या किसी इरिटेशन के अंतर्गत अगर आप दूसरों की गलतियां अगर ढूंढने लगेंगे, तो आपका चंद्रमा खराब होता चला जाएगा। बाइपोलर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, बाइपोलर में जैसे एक मूवी बनी थी मिस्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड, जिसमें कि एक वो डॉक्टर को दिखाते हैं, उसकी पर्सनालिटी सिंड्रोम होता है, एक में वो किलर बन जाता है, एक में वो बड़ा सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, डॉक्टर है, और उसकी पर्सनालिटी में जो जिस तरह का बाइपोलर इफेक्ट आता है, बाइपोलर का मतलब है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी को पूरी तरह से चेंज हो जाना। अभी बाइपोलर, अभी वो व्यक्ति जो है बहुत पढ़ने में बहुत मशगूल है, या वो बहुत हंसने वाला है, प्लेजरेबल सिचुएशन में है, फिर वो डिप्रेशन चला जाए तो रोएगा, दुखी होगा, मीन मेक निकालेगा, अपनी जिंदगी कमियों को बताएगा। ये बाइपोलर इफेक्ट होते हैं माइंड में, जो कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट जिसकी आ सकती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू डॉक्टर विनय सिंह एंड अपॉलॉजी टू हिज प्रोफेशन, अगर हम चंद्रमा को अपने बलवान कर लें, तो हमें किसी साइकेट्रिक की
ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो बाइपोलर डिफेक्ट है, ADHD है, OCD है, ये सब चंद्रमा के कुंडली में खराब हो जाने की वजह से होता है। और चंद्रमा को मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप चंद्रमा के जो सिग्निफिकेशन है उनको इवोक करके या उनको प्रज्वलित करके अपने जीवन में आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो आपको पैशनेटली इन्वॉल्व करेगा लर्निंग में, और उसी प्रकार से वो आपको बहुत अच्छा बनाएगा और आपके किसी भी डिसऑर्डर को ठीक करेगा। अब इसके बाद जो चेंजेबिलिटी इन मूड जो हम देखते हैं, बीइंग एप्रीहेंसिव, ऐसे बहुत से लोग हैं जो डरते रहते हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं काम पे गए हैं घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसी तरीके से चीज़ों के लिए एप्रीहेंसिव रहना कि मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैंने ज्योतिष करना शुरू किया है और भंडारी सर पे हम जो है नौमांशा पढ़ रहे हैं तो मैं नौमांशा पूरा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आप चिंता ना करें, MKB यूनिवर्सिटी गुड़गांव से अब आप अपनी डिग्रीज में लिख सकते हैं डॉक्टर इन नौमांशा, क्योंकि मैं आपको डॉक्टरेट करा के आप पासिंग आउट परेड में जब आप निकलेंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं डॉक्टर इन नौमांशा। ये मैंने आपको PhD का कोर्स बता दिया है और ये PhD का कोर्स आपका संपन्न हो जाएगा। आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? जी आ रही है गुरु जी, बहुत अच्छी आ रही है। आ रही है, आ रही है। अब रमेश जी आप बताइए। सर जैसे आपने बताया था कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स WBC चंद्रमा से रिलेट करता है, तो जैसे प्लेटलेट कम हो जाते हैं डेंगू के केस में या WBC की कोई डिजीज होती है, तो क्या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चंद्रमा के उपाय करने से या चंद्रमा के नेगेटिव इफेक्ट से ही ये प्रॉब्लम आती है, और क्या चंद्रमा के उपाय करने से वो ठीक हो सकती है इमीडिएटली? देखिए रमेश जी, ज्योतिष जो है ना कॉमन सेंस पे आधारित है। पहली बात है कि वो जो डिजीज है जिस प्लैनेट से रिलेटेड है वो एक बात की बात नहीं, दैट्स अ सेकंड स्टेप। सबसे पहले आप ये सोचिए कि वो एक रोग है, और कॉमन सेंस ये कहता है कि रोग, जैसे कहने का मतलब है कि मैं आपके घर में आऊं तो आप मुझे कहें कि ये मेरा मास्टर बेडरूम है, ये मेरा गेस्ट रूम है, ये मेरा ड्रॉइंग रूम है, और मैं पूछूं कि मुझे जो है वॉशरूम जाना है तो आप कहेंगे वो मेरा टॉयलेट है, आप वॉशरूम होइए। तो कहने का मतलब है कि मुझे आप सबसे पहले वो रूम बताएंगे जो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि वॉशरूम का है, तो आपने टॉयलेट दिखा दिया। अब यही जो है ना कॉमन सेंस यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ता है कि एक व्यक्ति जिसे भगवान ने स्वस्थ बना के भेजा है, उस व्यक्ति को रोग हुआ है, तो रोग आएगा कहाँ से? छठे भाव से आएगा। और रोग का जो ट्रिगरिंग इफेक्ट करने वाला या रोग का जो एक अकाउंटेबिलिटी का जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट कौन है? वो रोगेश है, रोग भाव का स्वामी है, या तो रोग भाव है या रोग भाव का स्वामी है या रोग भाव पे पड़ने वाला मैलिफिक इन्फ्लुएंस है। ये तीन चीजें जो है रोग जनित होती हैं दशाओं के अंदर में, रोग को क्रिएट करती हैं। तो पहली बात हमें ये समझनी है कि ज्योतिष में जहां से परेशानी आती है उस भाव के स्वामी नहीं आपको सॉल्यूशन देना है। जैसे कहने का मतलब है किसी को पत्नी से संबंधित अगर परेशानी है तो बस ये समझ लीजिए पत्नी भाव का स्वामी, पत्नी भाव का प्लेस्ड प्लैनेट, पत्नी भाव का कारक जो कि मेल उसमें वीनस है और फीमेल में जुपिटर है। और अगर कोई शारीरिक डिफेक्ट है या कोई डिजीजेस है या कोई व्यक्ति रोबस्ट नहीं है या हेल्थ से जो है वो महरूम है तो मंगल, क्योंकि मंगल जो है वो लेडीज की हॉरोस्कोप में पति के स्ट्रक्चर पर्सनालिटी उन सब को बयान करती है। लेकिन आप इसे जो है कारक में अभी हम लिमिट कर देंगे जुपिटर, तो उसका जो है उन्हीं का एक अधिकार क्षेत्र बनता है जो कि वहां से आने वाले किसी भी डिसऑर्डर को खत्म करेगा। अब आप समझ के बात, तो जो आपने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का जो पहला आंसर है वो तो है कि रोग भाव के स्वामी की प्रेयर करने से या दान करने से या उसका उपाय करने से, या रोग भाव पे आपको देखना होता है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रोग, रोगेश के ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है नेगेटिविटी का या रोग भाव पे है।
प्रथम तो रोग भाव को आपने देख लेना है, उस पर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस उसकी आपने प्रेयर करनी है। दूसरा रोगेश की आपने प्रेयर करनी है, क्योंकि रोगेश अगर अच्छा होता है तो वो रिकवरी की तरफ ले जाता है, रोगेश खराब होता है तो वो स्लाइड करता जाता है आदमी। फिर उसके अलावा रोग भाव के दो कारक ग्रह भी हैं, मंगल और शनि। लेकिन जो डिजीजेस हैं उसका जो कारक है तत्व है वो शनि के हाथ में, और जो आपने क्रोनिसिटी और डिजीज बताया वो शनि से संबंधित है। और अगर अगर आप ब्लड से रिलेटेड डिफेक्ट अगर कोई बताते हैं, हीमोग्लोबिन एनीमिया हो जाए, तो मंगल उसका कारक है। तो मंगल जो है वो हीमोग्लोबिन का, एनीमिया का, या लैक ऑफ हीमोग्लोबिन जिसे एनीमिया बोलते हैं, उसका कारक है। अब बात ये आई कि आपने ये भी कहा कि चंद्रमा, तो ये बात आपकी बात में दम है, लेकिन ये इसका ऑर्डर थोड़ा पीछे जाएगा, क्योंकि जब आप उसको एनालाइज कर रहे हैं तो वो जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि संतान से आने वाला सारा सुख पंचम से ही आपको गैदर करना होगा। लेकिन अगर आपने काफी जो है माइक्रो लेवल पे व्यक्तित्व को एनालाइज करना है बच्चों के, तो प्रथम बच्चा पांचवें से, दूसरा बच्चा उसका छोटा भाई है तो उससे तीन घर आ गए, तो सातवें से फिर तीन घर आ गए, नवे से फिर तीन घर आ गए, ग्यारहवें से फिर तीन घर आ गए प्रथम भाव से। तो बच्चे के नंबर के हिसाब से आप उसके बारे में माइक्रो एनालिसिस किस बात की, पर्सनालिटी की, उसके अचीवमेंट्स की, उसके एकेडमिक एक्सीलेंस की और उसके करियर के एक्सीलेंस की। लेकिन जहां तक आपकी बात है, आपको उस बच्चों से आपको फायदा होगा, हैप्पीनेस होगी, एंग्जाइटी होगी, किस ऑर्डर पे चीजें चलेंगी, वो आपका पंचम भाव ही इसकी जिम्मेदारी रखता है। और पंचम भाव जिम्मेदारी रखता है तो भाव, भावेश और कारक, यानी कि पांचवें भाव के आपको देखना है और पंचम के लॉर्ड पे का प्रभाव देखना है, मैलिफिसेंस देखनी है कितना डिग्निफाइड है। इसके अलावा आपने देखना है वहां का सिंगल कारक जो कि गुरु है वो कितना डिग्निफाइड है। अब आप समझ गए, तो आपके प्रश्न का उत्तर तो लंबा हुआ है लेकिन काफी हाउसेस उसमें कवर हो गया। अच्छा, इसीलिए मुझे प्रश्न पूछने वाले अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके बहाने सारी चीजें लोगों के लिए रिवाइज हो जाती हैं। अमर ज्योति साहब बोलिए। गुरुजी, जो जैसे अष्टम जो भाव होते हैं तो अष्टम से अष्टम को भी देखा जाना चाहिए इसमें। देखिए क्या होता है कि जो भावाद भावम न्याय का जो नियम है वो नियम जो है एक सपोर्ट का नियम है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कहने का मतलब है कि एक भाव, ऐसे एनालॉजी आप ले लीजिए कि आपने पेंटर को लगाया, पेंटर ने जो है सपोर्ट के लिए एक सीढ़ी लगाई, आपने पेंटर से कहा कि ये दीवार को ऊंचाई पे जो पेंट कर दो, तो सीढ़ी लगाई, तो सीढ़ी आप ये नहीं कह सकते कि वो कारगर नहीं है। भावाद भावम न्याय में क्या होता है कि आगे आने वाला जो भाव है वो पहले पिछले भाव का सपोर्ट सिस्टम है और वो उस भाव के बारे में कुछ बातें बताएगा। अब ये कहना कि उसने पेंट कर दिया आपकी ऊंचाई की दीवार पे या आपके छत पे पेंट मार दिया, लेकिन अगर आप ये कहते हैं उसने सीढ़ी लगाई थी तो आपको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि वो छत तक पहुंचा कैसे। तो वही बात ये भावाद भावम न्याय के अनुसार भी होती है कि अगर अष्टम से अष्टम मतलब तृतीय भाव है, लेकिन तृतीय भाव को हर समय आप डेथ का भाव नहीं बोलेंगे, क्योंकि तृतीय हाउस तो आपके करेज का है, एग्रेशन का है, आपके या भीरू होने का है, आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स का है, राइटिंग वर्क का है, कम्युनिकेशन का है। तो भावाद भावम न्याय का जो नियम होता है वो नियम एक भाव के सपोर्ट सिस्टम को समझने का होता है कि वो कितना सपोर्ट दे रहा है उस भाव को या उस भाव के बारे में कितना व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन कभी भी आप देखिएगा किसी भी पुस्तक में, क्लासिकल टेक्स्ट में, जब भी कभी तीसरे भाव की बात आएगी तो उसको मृत्यु का भाव बहुत ज्यादा खींच के नहीं लिखा जाए, क्योंकि वो असल में मृत्यु का भाव है नहीं। आयु मृत्यु का भाव जो है वो अष्टमी है। लेकिन थर्ड से आप देखते हैं कोई सुसाइड हो जाए, एक आदमी के डेथ का कॉज क्या है, रीजन क्या है, किस तरीके से उसकी डेथ हो रही है, तो ये जो नियम है ये सपोर्ट के लॉज हैं और उस हाउस का वो सपोर्ट का हाउस है। आप रोजगार हमेशा दसम से कहेंगे लेकिन दसम से दसम सप्तम होता है। चतुर्थ सप्तम भाव जो है क्यों इतना स्ट्रॉन्ग केंद्र हो जाता है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ है,
तो मां मन भावना का भी वो भावाद भावम न्याय के अनुसार सप्तम भाव हो जाता है। लेकिन सप्तम भाव कभी भी आप ये नहीं कहेंगे माँ का भाव है, आप हमेशा कहेंगे कि सप्तम भाव पत्नी का भाव है, पार्टनर्स का भाव है। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि सप्तम भाव जो है मेरे रोजगार का है, जॉब का है। लेकिन आप पथ प्राप्ति का कहते हैं क्योंकि वो दशम से दशम हो जाता है। अब आप समझ गए इस बात को। तो ये जो भावाद भावम न्याय है, ये तो जब आप एक भाव की एनालिसिस करते हैं तो उस लेवल पे उसके भाव के नुआंसेस या माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सपोर्ट भाव के रूप में देखे जाते हैं। जी जी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी जैसे अष्टम भाव है तो अष्टम भाव को आयु का भाव बोलते हैं जी, और लैक ऑफ आयु हुई तो आयु मृत्यु का भाव जी। प्राइमरीली किस चीज का भाव है, मृत्यु का या आयु का? आयु या आयु मृत्यु दोनों का? नहीं आयु का, आयु का। असल में क्या है कि हर भाव से उस भाव के आने वाले सिग्निफिकेशन देखे जाते हैं, उसी भाव से उस चीज का होना या उस चीज का ना होना। जैसे किसी को पत्नी मिलती है, अच्छी पत्नी मिलती है तो भी सप्तम से मिलेगी, और पत्नी नहीं मिलेगी तो सप्तम से मिलेगी नहीं मिलेगी, सप्तम के खराब होने से नहीं मिलेगी। देखिए ऐसा है कि आप यूँ समझिए कि एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो पानी बाल्टी से खत्म हो सकता है बाल्टी में छेद होने की वजह से, वो पानी पूरा रिस जाए या वो पूरा स्पिल आउट हो जाए, या फिर छठे का लॉर्ड उसको थोड़ा गिरा दे, अष्टम का लॉर्ड उसको लात मार दे, या ट्वेल्थ का लॉर्ड उसको पूरा पलट दे, उससे भी वो पानी गिर सकता है। लेकिन वो जो छठे अष्टम और ट्वेल्थ के लॉर्ड का जो उसको पलटने का जो बात है वो दशा जनित है, वो हर समय नहीं पलटेगा। इसीलिए आप देखिए लोगों के विवाह होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन पत्नी रुगण हो जाती हैं, अस्पताल में चली जाती हैं, फिर अस्पताल में जाने के बाद उनका रोग और गहरा जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो आप कहते हैं ये तो 16 साल या 20 साल ये विवाह बहुत अच्छा चला, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते थे, अचानक इस तरह की घटना क्यों हुई? तो आप जब ढूंढते हैं तो आपको पता चलता है कि पत्नी भाव से या तो अष्टम का लॉर्ड या पत्नी भाव का 12वें का लॉर्ड, पत्नी भाव का 12वां आपका छठा हो गया या पत्नी भाव का अष्टम हो गया, तो उस तरीके से जो कि द्वितीय भाव आपका हो गया, उनके लॉर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो दशा जनित बात है। लेकिन जो प्राइमरी बात है वो है कि सबसे पहले बाल्टी से पानी, बाल्टी में छेद होने की वजह से निकल सकता है, यानी उस भाव में खराबी होने की वजह से उस भाव से आने वाले सिग्निफिकेशन डंप हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। अब प्रश्न बहुत हो गए हैं, मैं आपका हाथ जो है लोअर कर रहा हूँ, मुझे आप इसको आप पढ़ने दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बीच बीच में प्रश्न लेते हुए अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा विश्वामित्र साहब आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको मैंने पढ़ लिया था, आपने नमन प्रणाम किया है और आप दिख नहीं रहे लेकिन आप हैं कहाँ पे? हाँ प्रणाम प्रणाम। अच्छा देखिए इसमें क्या है कि चूंकि इसमें कोई भी आदमी जो है जो जिसका चंद्रमा खराब होगा वो कभी प्रेफुल नहीं होगा, डिप्रेसिव मूड में होगा, उसे कोई एडिक्शन होंगे, चाहे वो लिकर का हो या स्मोकिंग का हो या टोबैको के हो, एडिक्शन हो, वो बड़ी जल्दी जो है अपनी सराउंडिंग के साथ में बोर फील करेगा, उसका कंसंट्रेशन लेवल नहीं लग पाएगा। अभी हमारे एक छात्र ने हमारे ग्रुप में बोला था आजकल मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका कारण भी चंद्रमा का पीड़ित हो जाना उस पर्टिकुलर गोचर की वजह से। अगर किसी का कंसंट्रेशन लेवल आपने पास्ट में बहुत अच्छा देखा हो और अचानक कुछ समय के लिए वो खराब हुआ है तो यूँ समझ लीजिए कि कोई ऐसी सूक्ष्म दशा आ गई या कोई ऐसा प्रत्यंतर दशा आ गई जिसने वो कंसंट्रेशन लेवल को उसमें डिस्टर्ब किया है, या कोई ये गोचरी बात भी है, क्योंकि चंद्रमा का जो गोचर होता है 4-8-12 का खराब माना जाता है, तो हो सकता है कि चंद्र का कोई गोचर ऐसा चल रहा हो, एक राशि या एक भाव पे 2.5 दिन वो रहता है, अगर वो 2 दिन अगर वो चंद्रमा आपके नेटल चंद्रमा के चतुर्थ में होगा, अष्टम में से गोचर कर रहा होगा या 12वें से गोचर कर रहा होगा, तो आपको बहुत विचलित करेगा और आपको कंसंट्रेट करने से रोके। तो डिजीजेस जो है लेडीज में चूंकि ये ब्रेस्ट देखा जाता है चंद्रमा से, तो किसी तरह की डिजीजेस जो है चाहे वो
बेनाइन नोड्स हों या वो कार्सिनोविक नोड्स हों, कार्सिनोविक का मतलब होता है कैंसरस नोड की ओर ग्रस्त में हो जाते हैं, वो भी जो है वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। लेडीज की जो जो पीरियड्स होते हैं वो भी चंद्रमा से देखे जाते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि इस बात का एक नियम भी है कि किसी भी लेडी की हॉरोस्कोप में मंगल, नेटल मंगल की पोजीशन जहां पे होती है वहां से सप्तम से अथवा द्वादश या द्वितीय से या उसके ऊपर से जब चंद्रमा का गोचर होता है, ये सुन लीजिए, जहां नेटल मार्स बैठा है लेडी की कुंडली में, क्योंकि वो वही प्यूबर्टी का कारक माना जाता है, तो नेटल जो मार्स बैठा है जहां पे, वहां से चंद्रमा या तो उसके सप्तम से गोचर कर रहा हो तो वो मंगल पे दृष्टि रखता हो तो वो शुरुआत कराएगा लेडीज डे की, या चंद्रमा उसके द्वादश में, मंगल के द्वादश में, मंगल के ऊपर और मंगल के द्वितीय में जब वो आएगा, तो इन दोनों में से, इन तीनों में से दो दो जब पे वो होगा तो वहां से वो साइकिल को आप डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोगों की, कुछ लेडीज की कुंडली में जब वो नेटल मार्स के ऊपर से गुजर करता है तो पीरियड शुरू होते हैं और तब तक रहते हैं जब तक कि वो उसके द्वितीय को पार नहीं कर जाता चंद्रमा, गोचरी चंद्रमा। तो उसे ढाई ढाई, सवा दो मतलब आपके साढ़े चार दिन हो गए। उसी तरीके से कुछ लोग, कुछ लेडीज के उसमें बारहवें मंगल के द्वादश भाव से और मंगल के ऊपर से जो गोचर करता है, तो वो एक ज्योतिषी बात है, इसका बहुत गहरा ज्योतिषी संबंध है, इसीलिए इसको नेचर कॉल कहा जाता है। यूरोलॉजिकल जितनी भी डिजीजेज हैं, यूरोलॉजिकल का मतलब है किसी को डायलिसिस पे कोई चला जाए, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, किडनी में स्टोन हो, ये सब भी खराब चंद्रमा के होने से होती है। सुसाइडल टेंडेंसीज भी चंद्रमा से देखी जाती हैं चंद्रमा के खराब होने से, और ये खराब मून के होने की वजह से होता है। प्रोपिशिएटिंग यानी कि इसको, चंद्रमा को बलवान करने का तरीका क्या होता है कि प्रोपिशिएट करना, प्रोपिशिएट करने का मतलब है कि आप उसकी पूजा करें या उसकी अर्चना करें या वो हर वो चीज आप फॉलो करें जो कि अच्छे सिग्निफिकेशन में आते हैं चंद्रमा के, उन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो मून है वो चार्ट में बहुत बलवान हो जाता है। जैसे कि आपने मून को इम्प्रूव करना है तो प्रतिदिन आप हनी लेना शुरू कर दीजिए, आपने देखा उसका सिग्निफिकेशन हनी है, कर्ड है, आप मट्टा लीजिए, लस्सी लीजिए। इसी तरीके से आप थोड़ा सा फ्लोरिकल्चर लगा लीजिए, आप थोड़े फूलों के पौधे लगाइए, वेजिटेशन कीजिए, अपने हाथ से उसमें काम कीजिए, आपका चंद्रमा इम्प्रूव होगा, आप लोगों की प्रसन्नता कीजिए, लोगों की लाइफ में आप खुशी बिखेरिए। आप सुबह से उठ के अपने ड्राइवर को, मेड सर्वेंट को, किसी को भी क्रिटिसाइज करने, डांटने या घर के फैमिली मेंबर्स को क्रिटिसाइज करना, डांटना, वो सब बंद करके उनके अंदर कुछ फाइंड कीजिए, उनको हैप्पीनेस देने के लिए आप क्या ऐसा अच्छा बोल सकते हैं। हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, उन गुणों को उनके सामने रखिए और उसको, उसकी आप जब आप प्रशंसा करेंगे तो आपका चंद्रमा बलवान होगा। तो ये कहा जा रहा है, सेल्फ ग्रूमिंग कीजिए, सेल्फ ग्रूमिंग के अलावा अच्छे आप ड्रेसअप होइए, अच्छे आप बहुत कैजुअल मत रहिए, प्रतिदिन स्नान कीजिए और मंडे का फास्ट रख सकते हैं तो मंडे का फास्ट रखें, एकादशी आती है, पूर्णिमा आती है, अगर आप फास्ट नहीं रख सकते तो इस दिन आप अच्छी पूजा कीजिए, स्नान करके आप मंदिर में जाके बैठ के अच्छी पूजा करें, अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो आप मेडिटेशन करें उस दिन, और मेडिटेशन की एक आदत बना लें प्रतिदिन मेडिटेशन करने की, क्योंकि इससे आपका चंद्रमा बहुत बलवान होता जाएगा। हाँ बोलिए सर, डेली माता जी के पैर छूने से भी इम्प्रूव होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, बहुत खूबसूरत बात आपने बोली है। माता जी के मतलब डेली माता जीवित है जिन लोग की, डेली पैर छूए तो अपने आप में उपाय हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। माता जी के, माँ की जो ब्लेसिंग होती है उससे बड़ा कुछ नहीं होता। माता पिता की जो है ब्लेसिंग अगर आप लेते हैं तो जीवन में आपके बहुत पूर्व जन्म के पाप कर्म जो है वो समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत आपने ठीक बात बोली है, और माँ का कारक बोलते हैं ना जैसे चंद्रमा को। जी बिल्कुल, आपने ठीक बोला, बहुत अच्छा बोला है आपने। माता जी क्या, और माता समान जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबको आप इज्जत दें, उससे भी आपका चंद्रमा इम्प्रूव होता है। जैसे आपकी मौसी हो गई,
बुआ हो गई या आपके मित्र की माता हो गई, मतलब जिनकी जो भी माँ स्वरूप हैं, उनको इज्जत देने से व्यक्ति का चंद्रमा बहुत सबल होता है। जितना चंद्रमा सबल होता है उतना व्यक्ति का एटीट्यूड इम्प्रूव होता है, उसका कैश बैलेंस इम्प्रूव होता है, उसके लिक्विड फंड्स इम्प्रूव होते हैं, उसकी माली हालत अच्छी होती है और वो प्रसन्न रहता है। जिंदगी जीने की के लिए आपको मैं बताऊं, हम बड़े गुमराह रहते हैं कि हमें जीने के लिए एक आदमी को लगता है मुझे IAS होना चाहिए या मेरे को इंडस्ट्रियलिस्ट होना चाहिए, बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए, ये सब गलत है। हर चीज के पीछे देयर इज ओनली वन थिंग फॉर विच पीपल आर रनिंग, दे डोंट नो व्हाट दैट इज, और वो है इनर हैप्पीनेस। मतलब वो एक्चुअल में उनको लगता है, वो मिराज है, उनको लगता है कि हमें इनर हैप्पीनेस किस चीज से मिलेगी, लेकिन वो एक्चुअली हर चीज के पीछे इनर हैप्पीनेस की ही तलाश होती है। और वो हम गुमराह रहते हैं कि हमें लगता है कि हम एक नई गाड़ी खरीदेंगे तो हमें इनर हैप्पीनेस मिलेगी, हम जॉब चेंज करेंगे 30% के इजाफे वाले जॉब पे जाएंगे तो हमें इनर हैप्पीनेस मिलेगी, वो सब क्षणिक आपको हैप्पीनेस देते हैं। इनर हैप्पीनेस आपके अच्छे चंद्रमा के होने की वजह से होता है, जिसमें आपने नंबर टू में जितनी भी चीजें लिखी हैं अगर उन चीजों को आप फॉलो करें, और विश्वामित्र साहब ने जैसे उसमें मदर भी लिखा था तो उन्होंने बिल्कुल पर्टिनेंट बात और रेलेवेंट बात बोली है। मैंने आपको जैसे बताया कि हर वो चीज जो उसके अंदर लिखी है, आप सॉन्ग्स गाइए, आप जो है पोएट्री राइटिंग करें। अब हमारे डॉक्टर अरुण पाराशर साहब की पोएट्री की किताब मैं पढ़ता हूँ, बड़ी खूबसूरत देशभक्ति की और अध्यात्म की पोएट्री लिखी है, इनका चंद्रमा बहुत सबल है, बहुत अच्छा है, तो इससे पोएट्री लिखिए। आप कोशिश तो कीजिए, क्रिएटिव राइटिंग कीजिए, आप लोगों को हैप्पी बनाइए। आप चार आदमियों के भी एक उसूल बना ले कि चार आदमियों को के चेहरे पे आपने मुस्कान जो है बिखेरनी है, बस आप देख लीजिए आपका जिंदगी आपकी जो बहुत अच्छे पटरी पे आ जाएगी, बहुत खुशी का संचार होने लगेगा लाइफ में। अब मैंने इसके बाद आप लोगों को बताया कि मून को किस तरह से हम समझते हैं, तो मून को 5 कैटेगरीज के द्वारा समझा जाता है। एक मिनट में भूपेश साहब आपके पास आ रहा हूँ, लाइन कंप्लीट कर लूँ। मून को 5 कैटेगरी में के द्वार में बांटा गया है, वो राशि और पक्ष बल पे आधारित है और कंजंक्शन पे आधारित है। तो पहली कैटेगरी ये होती है कि जब चंद्रमा मूवेबल साइंस में होता है या चार राशियों में होता है, चार राशियां हैं जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर, ये आदमी को जब वो मूवेबल साइंस में होता है चंद्रमा, तो व्यक्ति को थोड़ा रेस्टलेस बनाता है, चेंजेबल मूड्स का बनाता है, उसका मूड बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होता है, उसका बिहेवियर पैटर्न इसके चेंज होते हैं, वो एक प्रिडिक्टिव बिहेवियर को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये चंद्रमा जो है वो मूवेबल साइन का है, चार राशियों का है। उसके अलावा जो ना तो वो कोई स्ट्रीम ऑफ वर्क में अपने आप को बहुत लंबे समय तक रख पाता है, स्टाइल उसकी जो मोड ऑफ वर्क है, उसका स्टाइल ऑफ वर्क है वो भी उसका चेंजेबल होता है, आदमी जो है वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो जाता है वर्क में। इनकंसिस्टेंट का मतलब है वो किसी भी काम को लंबे समय तक टिक के नहीं कर पाता, जिमिंग भी करेगा तो वो ईद दे देगा पूरी महीने के, लेकिन 2-5 दिन जाएगा फिर वो बोर हो जाएगा, एक्सरसाइज करेगा तो कुछ समय करेगा उसके बाद बोर हो जाएगा, योगा करेगा, फिक्स रूटीन उसका नहीं होता है। लव रिलेशन में भी आदमी कॉम्प्रोमाइजिंग इस तरीके से हो जाता है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि उससे जिसके साथ वो प्यार में है उससे बेहतरीन कोई पर्सन उसकी लाइफ में आ सकता है तो वो क्विकली वो चेंज कर लेगा, वो सूटेबल पर्सन की तरफ को चला जाएगा। इसमें एक्सेप्शन टू द रूल, इस रूल का एक्सेप्शन कौन है, कर्क राशि का चंद्रमा, क्योंकि कर्क राशि का चंद्रमा स्वक्षेत्री चंद्रमा है, तो स्वक्षेत्री होने की वजह से वो चंद्रमा बली चंद्रमा है, स्ट्रॉन्ग चंद्रमा है। अगर स्ट्रॉन्ग चंद्रमा होता है, चंद्रमा अगर अपनी स्वयं राशि का होता है तो वो इस तरह की चेंजेबिलिटी वगैरह आपको दृष्टिगोचर उसके बिहेवियर में नहीं होगी। अब बोलिए भूपेश सर। नहीं सर, मेरा एक कंफ्यूजन ऐसा था, आपने कहा कि चंद्र को सुधारने के लिए गाने वगैरह गाने चाहिए, तो गाने मेरे ख्याल से खुशनुमा गाने चाहिए ना, वो मुकेश के या रफी के दर्द भरे नहीं होने चाहिए ना, या वो भी चलेंगे? देखिए ऐसा है, इससे कहते हैं चंद्रमा मानसो जाएगा, मन का एक इंडिकेटर। अगर मैं आपको तो किसी भी तरह का आप गाना गाएंगे, गाना जो है
वो गाना जो आपको प्रसन्नता दे रहा है जी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको मुकेश का ही गाना, मुकेश का कोई दर्द भरा गीत गाने थे, अगर आपके दिल में कोई फ्लावर्स खिल जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो कोई आपको गमगीन नहीं करने वाला, क्योंकि जब गाना खत्म हो जाएगा तो आप यथार्थ में आ जाएंगे, लेकिन उस गाने ने कुछ तार आपके दिल के छेड़ दिए, क्योंकि उससे आपका तादात्म्य था उस गाने से। अच्छा जी जी, समझ गया। आप समझे ना, तो ये है कि वो कहते हैं मैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तो वही गाने के ऊपर भी लागू है, वही गाने पर भी लागू है। जिस गाने को गा के आपको एक प्रसन्नता मिल जाती है, हैप्पीनेस मिल जाती है, चाहे वो गाना थोड़ा दर्द भरा भी हो। मुकेश के कुछ ऐसे दर्द भरे गाने हैं जिनको सुनकर आप डूबने लगते हैं, अब बहुत ही गहराई के वो गाने हैं। जी जी। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि हाँ, अगर आपकी जिंदगी में वो चीज ना गुजरी हो तब, क्योंकि वो एक उनका वो गाना था कि वो प्यार की दीवार वो तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दिल तोड़ दिया, तो अगर आपका दिल किसी धनवान की बेटी ने तोड़ा होगा तो आपके दिल के तार नहीं हिलने वाले, आपके आंसू निकल जाए और पत्नी ने आपको दो दिन खाना नहीं देना फिर हंसी हंसाइए, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा। तो जो सेकंड कैटेगरी है मून की, जिसमें धन्यवाद सर। अच्छा, जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें मून को बहुत अच्छा माना जाता है, वो कैटेगरी है जब मून फिक्स साइन का होता है, यानी कि 2, 5, 8, 11 साइन का होता है, यानी कि वृष का चंद्रमा, सिंह का चंद्रमा, वृश्चिक का चंद्रमा और एक्वेरियस का चंद्रमा, यानी कुंभ राशि का चंद्रमा। तो जब चंद्रमा आपका जो है वो फिक्स साइंस का होता है, स्थिर राशियों का होता है, तो ऐसा व्यक्ति, अब देखिए इसमें अपवाद वाली बात भी आएगी, लेकिन अपवाद की जब बात आएगी, वृश्चिक के चंद्रमा की बात आएगी, तो यूं समझिएगा कि इस सातवें नंबर में जो बातें लिखी गई हैं चंद्रमा के बाबत, वो बातें भी वृश्चिक के चंद्रमा वाले पे लागू होंगी, बट चूंकि वो एक्सेप्शन टू द रूल है, क्योंकि चंद्रमा वहां डेबिलिटेटेड है या नीच का है, तो वो पूरी तरह से इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन हाँ 60% इस रूल को वो फॉलो करेगा। सदब बोलिए। सर, मैं एक रेमेडी के बारे में पूछना चाह रही थी। मुझे किसी ने बताई थी कि जो चांदी का टुकड़ा होता है, सिल्वर का, प्योर चांदी का, तो उसको अपने पास रखने से जो आपकी कोई विश पूरी हो जाती है। तब मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूंगा, ये सारे कॉस्मेटिक इफेक्ट होते हैं। चंद्रमा को बलवान अगर आपने करना है तो आपने इतनी कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, फार्मेसी का भी ज्वाइन किया है और आपने नवमांशा का भी ज्वाइन किया और आपने आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन का भी ज्वाइन कर लिया है, एक कोर्स आप और ज्वाइन कर लीजिए कुकिंग का, आप कुकिंग का कोर्स ज्वाइन करेंगे ना तो आपका चंद्रमा बलवान हो जाएगा। एक कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए सिंगिंग का, आप क्लासिकल सिंगिंग का, देखिए पाकिस्तान के बड़े दिग्गज जो है क्लासिकल सिंगर्स हुए हैं पाकिस्तान में, अभी हमारी जो है ये मीरा वो जो उनका एक मैं मूवी देख रहा था, मैं नाम भूल गया उनका, मीरा जो बड़ी बड़ी रिवोल्यूशनरी मूवीज बनाती है, उसमें पाकिस्तान के सिंह ब्रदर्स जो कि ये ख्याल ठुमरी, मीरा नायर एग्जैक्टली, उसमें वो खान ब्रदर्स हैं, ये वो क्या है जो वो बैकग्राउंड में लगातार वो एक जो अलाप वगैरह वो दिखा रहे हैं पूरी मूवी में, वो लगातार उसी तरह का वो अलाप हो गया। आप कोई क्लासिकल म्यूजिक सीख लीजिए, उससे आपका चंद्रमा ज्यादा बलवान होगा। आप सुबह सुबह आपके पति उठे अभी उठे हैं तो आप बड़े वेल ग्रूम्ड होके आप उनके पास चाय का कप ले जाइए, आप पानी का ग्लास ले जाइए, थोड़ा कोसा वाटर मतलब हल्का गुनगुना सा वाटर, चाय का कप ले जाइए और बड़े प्यार से आप उनके साथ बैठे उनको चाय पिलाएं, अपने हाथ से नहीं तो उनको पीने दें अपने ही हाथ से, क्योंकि आपने जो है पत्नी का रोल अदा करना है, माँ का रोल अदा नहीं करना। चंद्रमा को इतना भी पावरफुल नहीं करना कि आप
कहे कि आज मैं खाना चम्मच से खुद खिलाऊंगी। वेरी गुड। तो लेकिन आप उनको ना कुछ अच्छी बातें बोलिए तो वो आपके माथे में हाथ रखे कहेंगे कि तुम चार बातें मुझे सुनाती थी, आज अचानक ये फूल कैसे मुंह से गिर रहे हैं। तो अब ये मत बताइएगा कि हमारे गुरुजी ने हमसे कहा था, क्योंकि उसमें फिर ये उपाय का कोई उपाय का प्रभाव नहीं रहने वाला। आप ये कहिएगा नहीं, मैं बहुत दिनों से मुझे रियलाइजेशन नहीं था, अब मैं रियलाइज कर रही हूँ कि तुम बहुत बहुत अच्छे हो। आप प्रशंसा करना शुरू। सर एक्चुअली ये रेमेडी मुझे बताई थी एक मकसद के लिए, एक एस्ट्रोलॉजर ने बताई थी। वो कह रहे थे कि आप मेरी मदर तो है नहीं, उन्होंने कहा था आप अपनी खाला जो है उनसे लेकर एक सिल्वर का टुकड़ा अपने पास रख लें, तो इससे आप मतलब इस तरह की रेमेडी जो थी ना, ये होम बैग की रेमेडी थी असल में। तो उन्होंने ये रेमेडी मुझे बताई थी, लेकिन मैं इसको कर नहीं सकती। इसके अलावा अगर कोई रेमेडी है तो सर वो मून की कोई और रेमेडी। मैं तो आपको बता चुका हूँ, ये जो चांदी का टुकड़ा वगैरह है ना, ये सारा कॉस्मेटिक इफेक्ट होता है, ये सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट होता है। चंद्रमा की जो अच्छी रेमेडी है, पर्ल पहन लीजिए आप, एक मोती पहन लीजिए। चंद्रमा की अच्छी रेमेडी है कि आप देखिए शुक्र को अगर आप बलवान करेंगे तो, क्योंकि आपके रिलीजन में जुमा का आप जो है उपवास रख सकती हैं, व्रत रख सकती हैं फ्राइडे का, तो फ्राइडे का उपवास रखेंगी तो आपका चंद्रमा बलवान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने शुक्र की पूजा की तो भी आपका चंद्रमा बलवान होता है। ये मैंने पिछली जो ताजी की क्लास थी रेमेडीज पे जब मैंने बात की थी तो आप लोग उससे वाकिफ हैं। मैंने आपको बताया था कि आप गुरु की पूजा करते हैं तो आपका मंगल भी इम्प्रूव करता है, अगर आप शनि की पूजा करें तो शनि इम्प्रूव करेगा, मंगल की पूजा करें तो भी शनि इम्प्रूव करता है, और मंगल की अगर आप पूजा करें तो मंगल इम्प्रूव करता है, लेकिन अगर आप गुरु की पूजा करते हैं तो गुरु की सात्विकता की वजह से आपका मंगल भी इम्प्रूव करता है। उसी तरह से आप चंद्रमा की पूजा करें तो चंद्रमा इम्प्रूव करता है, लेकिन अगर आप शुक्र की पूजा करते हैं तो चंद्रमा और शुक्र दोनों इम्प्रूव करते हैं। सूर्य की पूजा करने से आपके सारे ग्रह इम्प्रूव होते हैं एक्सेप्टिंग राहु एंड केतु, राहु और केतु के इसलिए दान किए जाते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए, उपाय अगर आप कर रही हैं तो आप जुमे की नमाज कीजिए, इस्लाम में ये सब अलाउड है। इसके अलावा आप जो है नमाज के अलावा अगर आप जो है पांच बार की नमाज नहीं कर सकती, पांच बार के मेडिटेशन कीजिए, उससे आपका चंद्रमा ज्यादा बली होगा, स्ट्रांग होगा। लोगों की आप प्रशंसा करना, कंजूसी मत कीजिए प्रशंसा करने में, आपको जेन्युइन प्रशंसा होनी चाहिए। आप प्रशंसा में किसी आदमी को ये नहीं कह सकते जी आप तो, आप मेरे को जो है पर्सनल मैसेज में कह सकते सर आप तो अमिताभ बच्चन से लगते हैं, तो ये प्रशंसा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इस तो मैं हिल जाऊंगा। मैं कहूंगा कि या तो आपने अमिताभ बच्चन को नहीं देखा, या आपने अमिताभ बच्चन और मेरी फोटो को सामने सामने रख के नहीं देखा। तो कहने का मतलब है अगर कोई गेंदे को गुलाब बोले तो दो बातें साबित हो जाती है कि उसको गेंदा भी नहीं मालूम और गुलाब भी नहीं मालूम। अच्छा बाबा साहब प्रदीप साहब बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि मुझे नहीं मालूम चंद्रमा मेरा अच्छा है कि नहीं अच्छा है, पर एक साल जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया उससे पहले मैंने जीवन में कोई उपाय नहीं किए, और मेरा चंद्रमा के साथ वो भी राहु भी है, पर मेरे जीवन में मतलब मैंने जो आपने अच्छाई लिखी है सब मेरे जीवन में थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत। और मैंने कभी कोई उपाय नहीं किया, कोई वो नहीं किया। आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैं जो है ना उन ज्योतिषियों से बड़ा परेशान हूँ जो चंद्रमा और शनि को विषयोग कहते हैं, जो चंद्रमा मंगल को चंद्र मंगल का योग कहते हैं और उसे वो भीषण योग कहते हैं, और जो ज्योति जो है ग्रहण योग बोलते हैं चंद्रमा के साथ में राहु या केतु के बैठने पे, उसका मैंने आगे जो पांच कैटेगरीज मैंने दिए हैं उसमें फिफ्थ कैटेगरी मैं कोई भी बात आपको लिखता हूँ बताता हूँ तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बताता हूँ सभी एंगल्स मैंने उसको, और इस पे मैंने आपको साफ साफ लिखा है दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। सेकेंड पार्ट में हमने नौमांशा में जाके देखना है, क्योंकि नौमांशा हमारा जो है शॉर्ट की मेथड है टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मून, मतलब शॉर्ट एक शॉर्टकट मेथड है जिससे हमको इतनी सब चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, आप क्लियर कट आपको चीजें समझ में आ जाएगी नौमांशा में देखने से, तो वो आपके सेकंड मॉड्यूल में आएगा। हाँ रमेश जी बोलिए। सर क्या चंद्रमा को ठीक करने के लिए गंगा जल को रोज थोड़ा थोड़ा पीना या पीने वाले पानी में मिला देना और नहाने वाले पानी में मिला देना, इससे भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? ये भी पैसिव रेमेडी है। देखिए ऐसा है रमेश जी, अगर गंगा जल रोज पीने के बाद अगर आपके मुंह से भाषा से लैंग्वेज से
फूल झड़ते हैं, आप फिर उसका ना एक थर्मामीटर क्या है कि आप गंगा जल रोज पी रहे हैं, आप पत्नी से एक हफ्ते के बाद में ना 0 से 10 के स्केल में अपने बिहेवियर का पोलिंग मतलब ईवीएम आप उनको पत्नी के हाथ में दे दीजिएगा, कौन से कहेगा कि 0 से 10 के स्केल में जो मेरी प्रकृति में बदलाव आया है या जो चेंजेस आए हैं मेरी भाषा में या आपके प्रति माधुरी संबंध में, तो बताओ 0 से 10 के स्केल में कहाँ पे है। अगर सपोज पहले वो उन्होंने कहा वो 3 पे है, अब वो कहे 3.5 पे है, तो इसका मतलब ये गंगा उपाय काम नहीं कर रहा है। मतलब अगर वो कहे कि नहीं वो 3 से 9 पे आ गया है, तो उसका मतलब फिर तो आप क्लास में ही अनाउंस कर दीजिएगा, तो फिर क्लास के सारे लोग गंगा जल पिया करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये एक रिलीजियस बात भी है, आपने जो पूछी है इसके अंदर क्या है कि गंगा जल के लिए बहुत जबरदस्त महत्व है। गंगा जल देखिए ये ना एक बायोलॉजिकल भी एक फैक्ट है, मेडिकल साइंस को भी बैफल करता है कि गंगा जल एक सिर्फ एक ऐसा जल है जो सालों लोगों के घरों में रहता है, कंटेमिनेट नहीं होता, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं आते। ये बातें बड़े आश्चर्य की बात है, लोग इस बात को ढूंढ नहीं पाए। और कोई भी जल आप रखते हैं, उस जल अगर आप बॉटल ही अगर आप अपने घर में रख लें, थोड़े दिनों के बाद में बॉटल में से पानी में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बैड सेंट आनी शुरू हो जाती है, वो पानी खराब हो जाता है, लेकिन वो गंगा जल पे नहीं होता। और ये चूंकि पवित्र नदी का जल है और इसकी माइथोलॉजिकल टेल्स है कि उसको किस तरीके से भागीरथ लेके आए और गंगोत्री से ये किस तरीके से निकला, फिर वो किस तरीके से इसके प्रबल जो इसके आवेग को किस तरीके से शिव ने इसको अपनी जटाओं में संभाला, उसके बाद फिर ये निकला। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि इसका एक रिलीजन से भी संबंध है, हिंदू धर्म से का एक बहुत पवित्र पानी है। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपके बिहेवियरल चेंजेस ये ला रहा है तो ये बहुत अच्छा उपाय है। इसका पहला जो है लिटमस टेस्ट ये होगा कि दैट पीपल शुड परसीव यू एज अ पर्सन विद अ स्वीट टंग। हर आदमी इस बात की प्रशंसा करें कि रवीश साहब की क्या है चेहरे, मतलब वाणी से तो फूल झड़ते हैं। आपको इस तरह की कॉम्प्लीमेंट लोग बोले कि रवीश साहब आप तो हमेशा दिल खुश कर देते हैं, आप तो अच्छे अच्छे जोक्स लेके आते हैं, आप तो लोगों को हंसा देते हैं, आप तो हर एक प्रशंसा करते हैं, या आपकी आपको किसी में बुराई नहीं दिखती आपका, मतलब हर आदमी जो है आपके आपको फॉलो करना चाहे। लोग कहें यार इतना खुश रहते हो, किस वजह से खुश रहते हो? अब आप कहें मतलब जिस दिन शेयर मार्केट में थोड़ा लुढ़काव भी हो जाए फिर भी आप हंस के कहें ये झाड़ दिया और परसों मैंने कमाया था तो ये इसको संभाल के रखा है, इस याद को मैंने झाड़ के निकाल दिया। अगर वो एटीट्यूड आ जाए, अगर आप उस बात से अगर प्रभावित ना हो कि वो क्षणिक जो आपको बात थी, तो पॉइंट है उसकी कोई चीज आप पैशन के साथ में आप उसे फॉलो कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग को आप पैशन के साथ फॉलो कर रहे हैं, वो पैशन को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल बैलेंस शीट देखिए, कभी वो छोटे क्षणिक मोमेंट्स को मत देखिए कि आज मेरा 5 रुपये चला गया, आज मेरे 10 रुपये आ गया, वो मत देखिए। तो ये अच्छे चंद्रमा के द्योतक है। बहरहाल अब हम लेट अस गेट टू द नेक्स्ट वन। तो इसमें जो सेकंड कैटेगरी होता है चंद्रमा का, वो जब वो 2, 5, 8, 11 राशियों के अंदर जब चंद्रमा होता है तो काफी बलम बाली बली माना जाता है और वो बड़ा स्टेबल बनाता है बिहेवियर में, थॉट पैटर्न में, व्यक्ति की सोच विचारधाराओं में, उसमें एक डेफिनेट जो है एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, वो अपने बिहेवियर में काफी स्टेबल होता है और उसका मून जो है वो अच्छा चूंकि माना जाता है, वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में वो जंप नहीं करता। आप देखिए मेरा भी मॉडरेट चंद्रमा है कि मैं आप लोगों के प्रश्नों का जवाब देके तुरंत मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। अगर मैं चंद्रमा मेरा थोड़ा मॉडरेशन से नेगेटिविटी की तरफ होता तो मैं आपके प्रश्नों में बहता चला जाता और क्लास मेरी वहीं की वहीं हो जाती, फिर सतप मुझे जो है डिरेल करती रहती। तो ऐसा आप देखते हैं कि नहीं होता, मैं आई गेट बैक टू द पॉइंट। अच्छा, ऐसा जो मून है वो बहुत अच्छा माना जाता है, कभी भी आदमी जो है वो जंप नहीं करता एक टॉपिक से या एक काम से या एक प्रोफेशन से, वो एक स्टेबिलिटी फैक्टर उसकी बिहेवियर में नजर आता है, वो बड़ा कंक्लूसिवली बिहेव करता है,
कंक्लूसिवली का मतलब होता है वर्क गिवन इज वर्क डन। कंक्लूसिव बिहेवियर क्या है? कंक्लूसिव बिहेवियर अब आप नमाजा पढ़ रहे हैं, नमाजा के तीन या चार क्लासेस बची हैं, बहुत ज्यादा होगा एक दो क्लास और बढ़ जाएंगी, उतनी क्लासेस जो है बढ़ जाएंगी, तो भी एक तरह से आप समझे कि गिफ्ट फ्रॉम द गॉड्स है, क्योंकि वो गुरु के रूप में आपको एक गिफ्ट के रूप में आ रहा है कि कुछ और में आपको मिल जाती है उस सब्जेक्ट में। तो लेकिन उस क्लास में ना पैशनेटली आप इन्वॉल्व होइए और उसमें आप जुड़ जाइए उसमें, यानी कि उससे आपको एक तृप्ति मिलनी चाहिए, एक आपको प्रसन्नता मिलनी चाहिए, और प्रसन्नता से ज्यादा उसमें आपको लर्निंग होनी चाहिए, आप कुछ सीखें। उन क्लासों से बाहर निकलने के बाद में ऐसा ना हो कि आपके सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी नींद आई थी, चाय का कप मैं लाया नहीं था तो मैं बहुत अच्छा सोया आपकी क्लास में, पढ़ाते आप बहुत अच्छा, पर क्या पढ़ाते हैं आप, पढ़ाते क्या थे? मैंने कहा मैं नौमांशा पढ़ाता था। तो आपकी वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तो कमी हो गई, यानी कहने का मतलब पैशनेटली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप पैशनेटली इन्वॉल्व नहीं है सब्जेक्ट में तो वो प्रिडिक्टेबल बिहेवियर या वो एक अच्छा बिहेवियर नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंक्लूसिव बिहेवियर नहीं माना जाएगा। कंक्लूसिव बिहेवियर का मतलब होता है कि जो भी काम को आप अंडरटेक करते हैं, जिस काम को हाथ में लेते हैं, उस काम को आप 100% तन मन धन के द्वारा लग कर आप उसको 100% कर पाए तो एक अच्छे मून की ये पहचान होती है, जो कि फिक्स्ड साइंस में जब मून होता है तो वो देता है। और जब भी वो कभी एक काम को जब वो कंप्लीट कर लेता है, तब वो जब कंक्लूड कर लेता है तो उसके बाद उसका फोकस जो है दूसरे कामों की तरफ को आता है। इसके अलावा वो एक अच्छे प्रेमी के रूप में भी निकलता है, क्योंकि एक बार वो एक अच्छे प्रेमी के रूप में भी उभरता है, क्योंकि वो इस बात में बिलीव नहीं करता कि वो अपनी चॉइस जो है वो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस की वजह से चेंज कर दे। उसे जो लड़की या जो लड़का पसंद आता है उसकी वो सारी कमियां अच्छाइयों के साथ में उसको एक्सेप्ट करता है और उसके उसको एक कंपेनियन एंड लाइफ पार्टनर रूप में देखता है। चूंकि एक इसकी फ्लिप साइड भी है कि वो फिक्स साइन का स्थिर राशियों का अगर चंद्रमा होता है तो व्यक्ति का थोड़ा सा फिक्स नेचर तो डेफिनेटली होता है, वो ज़्यादा बैकबेंड नहीं करता, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता वो, लेकिन चूंकि स्ट्रग उसमें चंद्रमा की होती है तो वो खुश रहता है। और एक्सेप्शन टू द रूल इज स्कॉर्पियो मून, यानी स्कॉर्पियो राशि के ऊपर जब चंद्रमा होता है तो एक्सेप्शन है टू द रूल, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा जो है वो क्षीण माना जाता है, क्योंकि वो डेबिलिटेटेड हो जाता है, यानी वो नीच का हो जाता है, और नेटिव को बहुत स्टबर्न और एडमिंट बना देता है, काफ़ी जुद्दी बना देता है, जो इनफ्लेक्सिबल होता है, जो बैकबेंडिंग करता, ये जो कि गुड रनिंग ऑफ लाइफ के लिए बहुत रिक्वायर्ड चीज है उस चीज को वो नहीं करता है। इसके अलावा द क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी आल्सो गेट्स मॉडिफाइड। इसमें क्या होता है कि व्यक्तित्व को देखने के लिए आपको दो कॉम्पोनेंट देखने होते हैं, एक तो चंद्रमा की स्थिति और साथ में एक लगन के स्वामी की स्थिति। यानी आप जो लगन के स्वामी अगर उसी प्रकार से चर राशि में है, या लगन का स्वामी स्थिर राशि में है, या लगन का स्वामी द्विस्वभाव राशि में है, तो वो उसी प्रकार से चंद्रमा की तरह से लगन का स्वामी भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है वो एक आदमी के व्यक्तित्व का खाका खींचेगा। अगर दोनों ही अगर चर राशि में हो गए, लगन के लग्नेश भी अगर चार राशि में है और चंद्रमा भी चार राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर 100% ये सारी बातें लागू हो जाएंगी। वो जो है कंक्लूसिव नहीं होगा, वो चेंजेबल होगा, रेस्टलेस होगा, उसका माइंड जो है वेवरिंग होगा, वो किसी चीज में टिकाऊ नहीं होगा। और अगर दोनों स्थिर हो जाएंगे तो फिर वो काफी कंक्लूसिव होगा। कंक्लूसिव का मतलब है जो काम हाथ में लिया उसको पूरे पैशनेटली उसको पूरा करना, तब दूसरे काम की तरफ को जाना, तो उन सब चीजों की तरफ को अच्छाइयां वो दिखाएगा। अब देखिए जो इसके बाद नाइन्थ पॉइंट है, जब जो चंद्रमा होता है वो चंद्रमा जिस समय ड्यूअल साइन में होता है तो वो चंद्रमा को अनडिसाइडेड या अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है, क्योंकि ये जो द्विस्वभाव राशियां हैं ये कभी भी एक ना तो फिक्स बिहेव करती हैं ना ये मोबाइल की तरह बिहेव करती हैं, ये आदमी को ऑसिलेट करती हैं, यानी वो पेंडुलम की तरह से घूमता है, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है इस तरह का चंद्रमा।
वो आदमी को जो है उसके एटीट्यूड को, बिहेवियर को, गोल को, डिजायरेबल अनडिजायरेबल चीज, इसमें क्या है, डिजायरेबल चीजें हमें हैप्पीनेस देती हैं, जो चीजें हम पसंद करते हैं, लेकिन चूंकि ये दूसरा भाव राशि का चंद्रमा होता है तो ये उस तरह की गोल पोस्ट भी चेंज कर देता है कि आज हमारे लिए डिजायरेबल ए है, कल हमारे लिए डिजायरेबल बी है, परसों हमारे लिए डिजायरेबल सी है, इसका मतलब हमारे गोल्स चेंज होते जाते हैं, तो इस वजह से चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और वो किसी भी व्यक्ति विशेष या सब्जेक्ट के प्रति कमिटेड नहीं होता है, और उसकी जो ओपिनियन है दूसरों के प्रति, जो उसकी विचारधाराएं या उसकी अवधारणा होती है वो बदलती रहती है, और इसी प्रकार से डिफरेंट टॉपिक्स पे भी उसकी अवधारणाएं चेंज होती हैं। पॉइंट नंबर 10 है कि जो चौथी कैटेगरी है वो पक्ष बल की होती है, जिसमें हमें चंद्रमा के बल का अंदाजा होता है। चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा बली समझा जाता है शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का जो चंद्रमा है वो अत्यंत बली माना जाता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, या दूसरे शब्दों में आप कहें कि वो सूर्य से 72 डिग्री की दूरी पे होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है बली माना जाता है। और जो बली चंद्रमा होता है वो हर तरह के प्लेजर, हर तरह के खुशी, प्रसन्नता, उल्लास, हैप्पीनेस, इन सब के लिए, गुड एटीट्यूड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जिनका पक्ष बली चंद्रमा है उनको ये चीजें जो है वो बाई टैलेंट, बाई गिफ्ट मिलती हैं, उनका एक अच्छा एटीट्यूड होता है, उनका एक अच्छा बिहेवियर होता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इन सब पे चंद्रमा का अधिकार है। आपका बिहेवियर या आप किस तरह से परसीव हैं, लोग आपको कितना अच्छा मानते हैं, कितना अच्छा जानते हैं, कितना आपका बिहेवियर जो है वो अच्छा है, वो सारी चीजें इसी बात से निकलती है कि आपका चंद्रमा कितना बली है। चंद्रमा का जो रीजन होता है, चंद्रमा अच्छा होने से वो इनेविटेबल को एक्सेप्ट करता है। देखिए इनेविटेबल क्या है, इनेविटेबल का मतलब होता है कि कुछ चीजें जो है इनेविटेबल मानी जाती है, यानी कि वो अवश्यम भावी है। जैसे कहने का मतलब है जन्म मृत्यु है, ये अवश्यम भावी है, कभी यश अपयश है, ये भी अवश्यम भावी है। जैसे इन्होंने डॉक्टर विनय शील ने जो है वो रामचरितमानस से कोट किया था, तो ये जो है जैसे आयु मृत्यु है, इसी प्रकार से रोग है, इसी प्रकार से तकलीफें हैं जिंदगी में, कभी इस तरह का होता है। अब चंद्रमा आपका अच्छा होता है, जैसे इंडिया का एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे मालूम है कि ये स्पाइस लाइफ के पार्ट एंड पार्सल है, ऐसा होता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो, तकलीफ हमारे ऊपर आ जाए, हम कोशिश यही करते हैं, भगवान से हम यही मनाते हैं, लेकिन ये जो है किसी भी तरह का दुख आना या किसी भी तरह का रोग आना, अब प्रदीप डल्ला साहब को कोविड हो गया, कोविड का माहौल चल रहा है, ये इनेविटेबल है कि सभी को एक ना एक विषय पे या तो कोविड का की हर्ड इम्यूनिटी होगी, या कोविड की वैक्सीन की वजह से उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, या फिर वो रोग के प्रति वो थोड़ा सॉफ्ट टारगेट रहेंगे। तो जो इनेविटेबल है, जो अवश्यम भावी है, जिसकी प्रकृति निकल के आ रही है, अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक आने में हर आदमी प्रभावित होगा, उसी प्रकार से कोई बहुत ज्यादा टोरेंशियल रेन आ जाए या बहुत जबरदस्त आंधी अंधड़ आ जाए, हर आदमी जो है प्रभावित होगा। उससे हो सकता है कि आपके घर की छप्पर भी उड़ गया, जो आपने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कराया है वो आपका उड़ सकता है, वो टूट सकता है, उसका नुकसान हो सकता है, आपकी गाड़ी की छत पे जो है कोई सामान आके टकरा सकता है, क्योंकि बहुत तेज जो है आंधी आ रही है। तो जो चीजें इनेविटेबल हैं, वो इनेविटेबल का मतलब है जो होना ही है, उसको चंद्रमा एक्सेप्ट करवाता है। वो इतना हाई तौबा नहीं करेगा, किसी को रोग हो गया तो वो बड़े हाई तौबा में नहीं जाएगा, क्योंकि मालूम है कि रोग होना या खुशी के माहौल, खुशी के मौके आना जिंदगी के अंदर, और बीच में थोड़ा सा दुख भी आना, तो वो सारी चीजें लाइफ के अंदर साइक्लिकल आती हैं। हर एक को ये स्पाइसेस जो है लाइफ के मिलते हैं, मसाले आते हैं, तो इन मसालों में चंद्रमा एक अच्छा जो सबल चंद्रमा होता है वो आपको इनमें बहुत डिप्रेसिव नहीं बनाता, उनको आप उनको फेस करने की आपके अंदर एक क्षमता डेवलप करता है। और एक अच्छा जो चंद्रमा है वो आपको सभी प्रकार के जो प्लेजरेबल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों में आपको वो काफी प्रसन्नता आपको बांटता है, आपका एटीट्यूड अच्छा करता है, आपका बिहेवियर अच्छा करता है सोसाइटी के अंदर। और छोटी छोटी चीजों में प्रसन्नता ढूंढने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि हम ऐसे खाने को भी, भोजन को भी हम रूटीन की तरह ले लेते हैं,
कभी आप जो है खाते समय सोचिए कि कितना स्वादिष्ट बना है और कितना स्वादिष्ट है। अगर ये स्वादिष्ट है तो आपका फर्ज बनता है कि जिसने बनाया है वो चाहे आपकी माता जी हैं या आपकी पत्नी हैं या किसी कुक ने आके आपके घर में बनाया है, तो आपको इनर्शिया पे हटना है, क्योंकि चंद्रमा इनर्शिया का खराब चंद्रमा इनर्शिया का कारण है। आपने बोलना है, आपने कहना है, आपने उसी इवन उस कुक को भी अगर आप बोलेंगे कि कल दाल बहुत स्वादिष्ट बनी थी तो आप समझिए कि उसका उत्साह बढ़ जाएगा उस काम को करने में। उसी तरह से आपने अपनी पत्नी को बोल दिया और आपका 3 दिन से बातचीत नहीं चल रही थी और आपने कहा यार बातचीत नहीं चल रही है तो हमारी तो लड़ाई कंटिन्यू हो रही है, दाल तो अच्छी बनी है, मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो आपने जो है वो एक कागज पे लिखा कि दाल बहुत स्वादिष्ट थी और पत्नी के तकिए के नीचे डाल दिया और दूसरे दिन आपने तकिया उठाया तो उसमें लिखा था धन्यवाद लिखा, पत्नी ने भी जो है धन्यवाद लिख के तकिए के नीचे रख दिया। ऐसा नहीं करना है। आप जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको अच्छे काम को सबको सुनाइए। आप उस ना बोलने वाली स्थिति बाहर आइए, आप अपनी पत्नी को बोलिए कि दाल बहुत स्वादिष्ट बनी है, बहुत अच्छी बनी है, आप उनके समझिए बांचे खिल जाएंगे, वो जिस बात पे आपसे नाराज थी वो बात वो भूल जाएंगे और फिर मधुर संबंध हो जाएंगे। तो ये मून जो है वो आदमी को बड़ा काम बनाता है, किसी भी सिचुएशन में अच्छी बुरी सभी सिचुएशन में सम सा बनाता है और काम बनाता है, कंपोज बनाता है, आदमी रेस्टलेस नहीं होता, आदमी बहुत फ्लस्टर्ड नहीं होता, बहुत फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अधैर्य में चला गया, क्योंकि अच्छा चंद्रमा व्यक्ति को बहुत सीरीन बनाता है और लोगों के साथ में बड़ी जल्दी एसोसिएट कराता है, एक अच्छी कंपेनियनशिप क्रिएट करता है। अगर हम मून को 5 कैटेगरीज से ग्रेड करें और 20% हम कैटेगरी को दें तो हम एक्चुअल हैप्पीनेस का उसका इंडेक्स इन 5 कैटेगरीज पे आधारित आप उसमें मार्किंग करके आप उसको बता सकते हैं कि जिंदगी के अंदर तुम कितना खुश रहोगे। आप समझ गए बात? तो ये इस तरीके से आप उसका एलोकेशन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको 4 कैटेगरीज बता दी हैं, अब ये 5वीं कैटेगरी यहाँ आ रही है। तो ये लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये किन लोगों के साथ फेल होता है, जो कि बहुत लंबे समय से एकादशी पूर्णिमा या सोमवार का व्रत रखते हैं। सादा बात, सोमवार का व्रत रखिए तो उससे क्या होगा कि अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको नींद आएगी और क्लास में ये तो मेरी फितरत है या ये समझिए इट्स ए फैदर इन माई कैप कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स को बड़ी अच्छी नींद आती है, तो वो तो बड़े मेरे लिए बड़े खुशी उल्लास हर्ष का विषय है। किंतु अगर आपने सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया और रखिए आप अल्लाह के नाम पे ही रखिए, कोई रिलीजन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब थॉट पैटर्न चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सोमवार का व्रत रखिए और आप अपने ही पैगंबर के नाम पे रखें। लेकिन इससे क्या होगा, आपको अप्रोप्रिएट टाइम पे नींद आएगी। जब रात्रि जो भगवान ने बनाई है सोने के लिए, तो आप रात्रि में जो है वो मूवीज देखने में अपना समय नहीं लगाएंगी या पढ़ने में समय नहीं लगाएंगी, अप्रोप्रिएट टाइम पे आप पढ़ेंगी, अप्रोप्रिएट टाइम पे आप सोएंगी, तो ये इससे आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। तो उनके ऊपर लागू नहीं होता ये, जो बहुत लंबे समय से सोमवार का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं। इसी प्रकार से सिख कम्युनिटी पे क्यों नहीं लागू होता, क्योंकि सिख कम्युनिटी में जो है बहुत लंबे समय से छबील होता है। छबील क्या है, जिसमें वो दूध में रूह अफ़ज़ा मिला के और बर्फ मिला के गर्मियों में वो जगह जगह पे वो इस तरीके के वो रोड में वो लगाते हैं और बड़ा हाइजेनिकली वो सबको शरबत बांटते हैं, वो गाड़ियां जाती हैं तो गाड़ियों को रोकते हैं और हर एक को जो है वो छबील देते हैं, यानी उसे वो पिलाते हैं दूध और दूध में वो रूह अफ़ज़ा शरबत डाल के, थोड़ा सेंटेड मिल्क होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कभी मैं छबील होता है तो गाड़ी किनारे कर लेता हूँ, सारे परिवार के लोग उसको पीते हैं और वो हमें बड़ा टेस्टी भी लगता है और वो हमें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी लगता है गुरु साहब का, गुरु ग्रंथ साहब का। तो ये सिख कम्युनिटी पे भी लागू नहीं होता है, क्योंकि ये लोग जो है बड़ा आदतन और हमेशा इस तरीके से वो छबील करते हैं और इस तरीके से दूध का दान वो करते हैं, इससे चंद्रमा का बलवान होता है। जो उनको इसीलिए आप देखिए सिख कम्युनिटी वाले जो है
छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी चीजों को बड़ा ऑप्टिमाइज लेवल पे वो कितना उसको वो इंजॉय करते हैं। कोई शादी होती है तो भंगड़ा करते हैं, गिद्दा करते हैं, मतलब पूरा 100% अपनी पूरी एनर्जी लगा के करते हैं। ड्रिंक भी करेंगे तो पूरी पूरा मतलब एकदम से प्लेजरेबल तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टुल्ल हो गया फिर उसके बाद गाली गलौज करने लगे मार्केट। ऐसे देखिए हर जगह पे हर कम्युनिटी में आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो मिसडायरेक्टेड लोग यूथ आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन हम जो है ना जनरल वे में देखते हैं, एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो और ये उन लोगों के हिसाब से भी फेल हो जाता है ये प्रिंसिपल, कि जो लोग जो है जिनकी हैबिट होती है वो डेली मेडिटेशन करते हैं, परफोर्स जो है वो लोगों को प्रशंसा करते हैं, हमेशा अनकंडीशनली लोगों की प्रशंसा करते हैं। और इसमें चूंकि मैं कहना चाहूंगा एक डिक्टम है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हम इस बात की शुरुआत अपने घर से करें। आप अपनी पत्नी को प्रशंसा कीजिए, अपने पति की प्रशंसा कीजिए, अपने बच्चों की प्रशंसा कीजिए, अपने भाई बहनों की प्रशंसा करें, अपने दोस्तों की प्रशंसा करें, अपने एम्प्लॉयज की प्रशंसा करें, और अपने एक्विंटेंस जिनसे भी आप मिलते हैं जुलते हैं उनकी प्रशंसा करें। कोशिश करें कि उनके, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसके जो ये माथे पे जो मीटर होता है वो मीटर की सुई ग्रीन की तरफ चली जाती है और वो बड़ा पेप्ड अप हो जाता है, वो बड़ा उत्साहित हो जाता है, तो जिंदगी में उसको मजा आने लगता है। और जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो सुई नेगेटिव साइड में चली जाती है, रेड जोन में चली जाती है, तो उसका आगे के लिए जो है उसका माइंड खराब हो जाता है, कोई काम करने का उसको मन नहीं करता, तो बड़ा हतोत्साहित हो जाता है वो। अगर इवन हमने काम वाली को बोला है तो काम वाली ने अगर पहले दिन अगर अच्छा काम किया था, उत्साह में आपको दिखाने के लिए भी अच्छा काम किया था, अगर उसको आपने दो दिन तीन दिन चार दिन नींद में एक निकाल के आपने उसको क्रिटिसाइज कर दिया कि वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उसका अपना भी मन खत्म हो जाएगा। आपके घर में वो बस किसी तरीके से वो टालम टोल करते वो आप काम करना शुरू कर देगी, उसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार हैं। तो ये चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से आप शुरू करें, अपने स्पाउस की प्रशंसा करें, आप जो है अपने बच्चों की प्रशंसा करें, बच्चे भी कहें कि मम्मी ये मैं क्या चेंज आ गया है, मतलब बच्चे भी आपका माथे पे हाथ लगा के कहें कि कोई बुखार आया है कि कोई वायरस हो गया है कि मम्मी में अचानक चेंज हो गया, मम्मी तो उठते ही एक थप्पड़ लगाती थी, नया कोविड आ गया सर। हाँ ये कौन सा मतलब ये कोवैक्सीन जो लगाया या कोविशील्ड लगाया तो उसका असर आ गया, बिहेवियरल चेंज हो गया है। और पति कंफ्यूज है, पति कह रहा है ये तो कमाल है, आज तक तो इनको ये गुण मेरे अंदर दिखाई नहीं पड़े, अचानक ये गुण मेरे अंदर वो भी पूरा दिन भर कंफ्यूज रहेगा, मतलब ऑफिस में भी कंफ्यूज होगा कि ये गुण मेरे अंदर है मुझे पता ही नहीं था, 25 साल 16 साल मैरिज को हो गया आज तक मुझे पता नहीं था कि मैं इतना हैंडसम हूँ, आज मेरी पत्नी ने बोला मेरे को तो बोला हाँ तदब बोलिए वीडियो ऑन करके वो बोलिए। सर मैंने पूछना था कि अगर किसी की राहु की महादशा चल रही हो और राहु मून के नक्षत्र में हो तो सर ये चीज भी डिस्टर्ब करती है आपके माइंड को? अब ये आ रहा है, आप मेडिटेशन रोज किया कीजिए तो ये पॉइंट मेरा आने वाला है, आप अधीर ना हो। मैं जो कोई चीज पढ़ाता हूँ ना, आप समझिए मैं एक ऐसा बैट्समैन हूँ जो जो हमेशा शॉट मारेगा, स्ट्रेट भी मारेगा, फाइन लेग पे भी मारेगा, लॉन्ग लेग पे भी मारेगा, गली में भी मारेगा और कट भी मारेगा, कुछ को जो है स्वीप शॉट्स भी खेलेगा और स्ट्रेट बैट से भी खेलेगा और छक्के भी मारेगा, चौके भी मारेगा और कुछ रनिंग बिटवीन द विकेट भी करेगा, तो मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। आप समझिए जो हमारा जो खेलने का तरीका है या ये जो गेम है, ये गेम आपको पूरी तरह से फुल पैक्ड आपको मिलेगा, एवरीथिंग कवर, नथिंग इज गोइंग टू बी लेफ्ट आउट। और आप समझिए कि आपसे ज्यादा मैं इस बात का मनन करता हूँ और चिंतन करता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है उसमें कहीं को छूट तो नहीं किया। आप देखिए नक्षत्र इन नमांशा वाले में जो बात छूट गई थी वो बात मैंने आपके इसमें डाल दिया, अभी जो मैंने आपको डिस्पॉजिटर वाला डाला उसके लास्ट के पेज में मैंने उसमें लिखा है लेफ्ट ओवर फ्रॉम नक्षत्र। मैं खुद उस पर चिंतन मनन करता हूँ, इस वजह से नहीं कि मैं कोई क्रिटिसिज्म का पात्र बनूंगा अपने स्टूडेंट से, मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि कोई मुझे नमस्ते करता है नहीं करता, कोई मुझे प्रशंसा करता है नहीं करता,
सुनील जी तो बोल देते हैं कि हाँ कर दिया करो, लिख दिया करो। मैं ये भी नहीं चाहता, मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ जो निकले दिल से निकले, मेरे बोलने से ना निकले। आप अपने दिल से करें जो करें, आप क्रिटिसाइज भी करें। मैं चाहता हूँ, मैं पहले अपने हर लेक्चर के लिए मैं लिखता था कि इफ यू कुड सजेस्ट मी सम वेज टू प्रूव माय टीचिंग, ये मैं लिखा करता था। फिर अब वो एस्ट्रो पाठशाला में वो लोग कहते हैं कि भाई इस तरह की चीजों से आप एक स्पार्क क्रिएट कर रहे हैं, तो ये कल को हर आदमी आपको एक एक गलतियां बताने लगेगा। वो पेंटर वाली स्थिति हो जाएगी कि एक पेंटर ने अपनी पेंटिंग के नीचे लिख दिया था कि जहां गलती हो वहां एक क्रॉस मार देना, तो उसके अंदर जो है 50 क्रॉस लगे हुए थे। तो दूसरे ने उसको समझाया, एक वाइज मैन ने उसको समझाया कि इसमें लिखो कि जहां पे आपको कमियां नजर आती है उसको आप इम्प्रूव कर दें, और वहां पे पेंटिंग का ब्रश और पेंट रख दो। तो किसी ने भी उसमें एक उंगली नहीं लगाई, क्योंकि पेंटिंग पे प्रशंसा ही प्रशंसा हुई। तो बहरहाल गहरी मतलब है कि मैं कोई चीज पर फोर्स नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जो भी चीज आपसे, अगर आपके मेरे प्रति कोई श्रद्धा है, सुमन है, तो आपके दिल से निकलना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं आपको बोल रहा, आपका खुद का चंद्रमा ऐसा होना चाहिए कि आप उसे रियलाइज करें, आप उस मेहनत को रियलाइज करें, आप उस जज्बे को रियलाइज करें कि मैं आप लोगों को सबको अग्रणी, अपने से बहुत आगे देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे पिछाड़े। जैसे पिता का एक वो होता है, एम्बिशन होता है कि उसके बच्चे उसका अच्छा करें जीवन में, ऐसे वेरी वेरी डिवोटी ऑफ माँ शारदा, ये मेरा एक लाइफ एम्बिशन है कि मैं जिनको पढ़ाऊँ मुझसे आगे निकले, मुझसे अग्रणी हो, कल को वो जो है फ्लैग बेयरर बने, तो जिंदगी के अंदर इस साइंस को फैलाएं, उसमें अच्छी रिसर्च करें, मैं खुद उनको अपनी पत्री दिखा सकूं, कभी मैं उनसे कुछ पूछ सकूं। तो ये इस बात का माँ शारदा ने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया है। मेरे बहुत पिछले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो जिंदगी के अंदर एज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर उभर के आए हैं, उनसे कई बार मैं पूछता हूँ, डिस्कस करता हूँ। बहरहाल अब आप देखिए, जो कहते हैं जो चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हमने क्या करना है कि हमने प्रेस करना है अपने स्पाउस को, बच्चे को, सिबलिंग को, फ्रेंड्स को, एम्प्लॉयज को, एक्वेंटेंस को, और हमने कोशिश करनी है कि हमने प्यार और हमने हंसी बांटनी है, यानी कि उनके चेहरों पे स्माइल आनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया हर आदमी का एक हिडन मीटर होता है, उस मीटर में आप जब उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसकी जो सुई है वो ग्रीन में चली जाती है, और जब कभी आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो उसकी सुई जो है रेड में चली जाती है, और उसके जीवन में बहुत लंबे समय तक वो रेड में रहती है, रेड से निकलती नहीं है। वो इस बात पर बहुत दुखी रहता है, और यानी कहने का मतलब है कि वो बहुत समय तक आपकी की गई किसी भी बुराई को वो उसी के मनन चिंतन में रहता है, तो उसके आगे के सारे काम खराब हो जाते हैं। तो वी कैन बिगिन इन द हैबिट ऑफ पुटिंग एवरीबॉडीज डिटेल इन द ग्रीन साइड। हमने हर एक को, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रसन्नचनीय चीज होती है, हमारे पास आंखें नहीं है, हम उसको देख नहीं पाते, हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए, हमें मिल जाएंगी उसकी अच्छाइयाँ। और जब आपको अच्छाइयाँ मिल जाएं तो उन अच्छाइयों को उनके सामने बोलिए। वी कैन गेट इन टू दिस हैबिट विद द डिक्टम चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से प्रारंभ करें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। आपको सबसे ज्यादा इनर हैप्पीनेस उस बात पर मिलेगी कि आपने दूसरे की लाइफ में हंसियाँ खुशियाँ आपने बिखेरी हैं। और कर्मा की एक जो थ्योरी है जो भागवत गीता में हमको मिलती है, वह है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जिस तरह के बीज आप बोते हैं उसी तरह के पौधे निकलते हैं। जो आपने जिस तरह का आपने लोगों को दिया है वही चीज रिबाउंड होके आपके पास आनी है। तो अगर आपने दूसरों के चेहरे में अगर आपने प्रशंसा बिखेरी है तो ये आपके पास आएगा। अगर आप दूसरों को सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, आपके ओहदे को बढ़ाएंगे, दूसरे को आप जो अपने सिर पे बैठाएंगे, तो ये गलत है कि किसी को सिर पे बैठने से वो सिर पे बैठ जाता है या वो आपको परेशान करता है, ये आपका भ्रम है। बाय एंड लार्ज पीपल फॉल इनटू गुड कैटेगरीज, और जब आप किसी आदमी को इज्जत नवाजते हैं तो नेचर आपको इज्जत नवाजती है, और जब नेचर इज्जत देने पर आ जाती है तो बहुत लोग आपको इज्जत देते हैं, क्योंकि नेचर का फिनोमेना है कि नेचर लोगों के प्रकृति को बदल देती है। आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, फिर आपको प्यार करेंगे, आपको जो है प्रसन्न करेंगे, आपको आपके डिजायरेबल वर्क को करेंगे, आपको खुश करेंगे, आपको इज्जत अफजाई करेंगे। वो उस आदमी से अनकंडीशनली कीजिए, कभी उम्मीद मत कीजिए कि आपने उसको जो है इज्जत दी है
और इज्जत नवाजी है तो उस आदमी ने आपको जो है रेसिप्रोकेट करना है। यहीं पे आदमी गलती खा जाता है, आदमी कहता है यार मैंने उसको एक चाय पिलाई थी, मैंने उसके पास गया, मैंने उससे चाय के लिए नहीं पूछा, ये क्या मतलब है? ये मतलब तो एक रेसिप्रोसिटी का फिनोमेना हो गया। अब ये तो एक रेसिप्रोसिटी का फिनोमेना हो गया। विश्वामित्र साहब पानी पी रहे हैं, उन्होंने पानी मुझे नहीं पूछा, तो अब मैं जब पानी पीऊंगा अपने यहाँ पे मैं नहीं पूछूंगा उनको, तो ये तो रेसिप्रोसिटी हो गया। नहीं, मैं पूछूंगा क्योंकि मैं रेसिप्रोसिटी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहीं पे हम गलतियां खा जाते हैं। आपने वो करना है जो अनकंडीशनल है, उम्मीद मत कीजिए। आपने कोई प्रेज की है किसी को, आप उम्मीद मत कीजिए कि वो आपके प्रेज को वो टैग करेगा, नीचे लिखा था बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मंशा का नहीं की है, जहां आपका ये समझिए कि यहां आपकी मंशा ये हो गई रेसिप्रोसिटी वाली हो गई, वहां समझिए कि उसका आधा प्रभाव रह गया। आपने अनकंडीशनल लव करना है। आपने ये नहीं कहना कल को जोशी के पास, गुरु जी के पास आके कि गुरु जी मैंने तो अपनी, आपने कहा पत्नी को प्यार करो, मैंने तो पत्नी को बहुत प्यार किया, मैंने तो पत्नी को जो है अपनी बिलवट से ज्यादा प्यार किया, लेकिन अभी भी वो ढाक के तीन पात है, वो वैसे ही बिहेव कर रही है वो, तो आप इसका मतलब ये आपका अनकंडीशनल प्यार नहीं है। अनकंडीशनल अगर प्यार करेंगे, आप ये सोचिए कि उस पत्नी को प्यार करने से जो उसकी हकदार है वो आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रही है तो ना करें, लेकिन आप तो दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि जमीन में पैदावार कम हो या ज्यादा हो, किसान उसमें हल जोतता है, किसान उसमें पैदावार लगाता है, किसान उसको सींचता है, उस बात की परवाह नहीं करता कि आने वाले समय में कोई साइक्लोन आ जाएगा या कोई मवेशी आके उसको खा जाएंगे, इससे वो अपना कर्म करना नहीं भूलता। इसीलिए उसके हरियाली के साथ मैंने आपको बताया कि नेचर इज वेरी काइंड और नेचर गेट्स बैक टू यू इन मैनी फोल्ड वेज, तो आप इस बात की परवाह मत कीजिए। पत्नी का भी विचारधारा और उसका जो जितना एटीट्यूड है वो सब चेंज हो जाएगा आपके एटीट्यूड के चलते, बट अनकंडीशनल रखिए। और कर्मा जो गीता से हमको आते हैं वो है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जब भी आप लोगों को देते हैं तो रिबाउंड होके आपके पास में नेचर और आपको मैनीफोल्ड वेज में वो चीजें आपको देती है। और आप समझिए जितनी ह्यूमिलिटी है, जितना झुक जाना है, आप हमेशा याद रखिए कि जो कालिदास जो कबीर जी ने कहा था कि जितना ज्यादा वृक्ष फलों से भरता जाता है वो उतना ही वो झुकता जाता है, उसके अंदर उतनी ही झुकाव आता है, उतनी मॉडस्टी आती है। वही मॉडस्टी आपका एक फेदर इन द कैप है, वो फेदर इन द कैप का मतलब आपकी एक अचीवमेंट हो गई, सोसाइटी आपको ऐसे परसीव करेगी कि इतने बड़े आदमी और इतने अकम्प्लिश्ड आदमी और इतनी झुकाव के साथ और इतने नमन के साथ जो है सोसाइटी में रहते हैं, वो हरेक को इतनी इज्जत बख्शते हैं, हरेक की जिंदगी में जो है वो हंसी खुशी वो बिखेर रहे हैं, तो ये है। और मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा, इट माइट नॉट कम फ्रॉम द सेम पर्सन, कभी उम्मीद मत कीजिए, अनकंडीशनल रखिए। ये हो सकता है कि जिस आदमी को आपने प्यार किया, हो सकता है आपने बच्चे को, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने उसको प्यार किया, हो सकता है कि बच्चा आपसे काफी समय तक दो टुक बात करे या वो कहे कि और डिमांड करे, लेकिन आप इसकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि आपने किसी आपने इस मंतव्य से नहीं किया है। आप अपने घर वालों के ऊपर जो है अनकंडीशनल इन्वेस्टमेंट कीजिए इन चीजों का, और ये धीरे धीरे उनके बिहेवियर में परिवर्तन लेके आएगा, क्योंकि ये जो है नेचर का लॉ है कि गुड और बैड एनर्जी जो होती है, जो भी आप एनवायरमेंट में छोड़ते हैं वो सिर्फ मॉडिफाई होती हैं, वो सिर्फ उनकी एनर्जी का प्रारूप बदलता है लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होती। E=mc2, जो आइंस्टीन ने जो खोजा था वो नेचर का एक्चुअल फिनोमेना है। नेचर में कोई भी, अगर आप किसी को गालियां दे दें, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर दें, किसी को आप शब्द बोल दें, ये भी आपने एक नेगेटिव एनर्जी आपने जो है छोड़ दी है, वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो वातावरण में घूमती जाएगी और रिबाउंड होके आपके पास आएगी। आप समझिए कि आपको चार लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बेमतलब के आपको नेगेटिव बोल रहे होंगे, तो फिर आप समझ जाएंगे ये कर्मा कितना प्रधान है, मतलब ये कर्म कितने प्रधान होते हैं कि आपने एक बैड कर्मा किया और उसकी एनर्जी को आपने छोड़ दिया, वही एनर्जी जो है चार लोगों को खींच के आपके पास नेगेटिविटी के साथ लेके आ गई। बहरहाल ये लाइफ चेंजिंग आज का लेक्चर है, इससे इसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आई कैन अश्योर यू विल नॉट रिक्वायर एनी
अचीवमेंट टू मेक यू हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी एट गॉड मेड यू. भगवान ने आपको खुश रहना, मैं आपको बताऊ हंसने के लिए, हंसने के लिए जो चीजें चाहिए भगवान ने आपको दी है. एक बंदर नहीं हंस सकता, ये जैसे ये कैरिकेचर दिखाते हैं गधा हंस रहा है, ऐसा ये सब कैरिकेचर है, ऐसा नहीं होता. एनिमल्स हैव नो कैपेसिटी टू बी हैप्पी और लव, बट दे हैव कैपेसिटी टू फील गुड. फील गुड फैक्टर उनके अंदर होता है, वो अपने बच्चे के अपने 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 बच्चे के साथ में उनका एक लगाव होता है, अपने मालिक के साथ में उनका एक लगाव होता है, उनका एक फील गुड फैक्टर होता है, उन्हें अच्छा लगता है. लेकिन अगर आप कहें कि वो लाफ करेंगे, लाफ करने की कैपेसिटी भगवान ने आपको आशीर्वाद के रूप में दी है. और आप लाफ कब करेंगे, जब आप दूसरे को लाफ कराएंगे, जब आप दूसरे की जिंदगी में आप इसी तरह का आप जो है ऐसा बीज आप बोते हैं जिससे उनको प्रसन्नता मिले, खुशी मिले. और ये हमेशा घर से शुरू होता है और बाद में आपकी आदत में शुमार होता है. ये चीज जो है सिर्फ खुशी से ही संबंधित नहीं है, ये चीज जो है प्यार से भी संबंधित है. आप प्यार बांटेंगे तो आपको प्यार मिलेगा, आप रिगार्ड्स बांटेंगे जिसको आप इज्जत बख्शेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे लोगों को, उतना ही आपको पॉजिटिवली आपको परसीव किया जाएगा. और ये सारी की सारी चीजें मैनिफोल्ड वेज में अनकंडीशनली आपको हैप्पी बनाते हुए आपकी लाइफ में आएगी. तो ये इसमें मैंने लिखा है कि फर्स्ट बिगिन फ्रॉम होम. और ये ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि हम ग्रांटेड रिलेशन में सबसे ज्यादा हमारा कैजुअल इफेक्ट होता है. हम ग्रांटेड रिलेशन में हम सबसे ज्यादा कैजुअल हम बिहेव करते हैं, ये बहुत गलत बात है. हम पड़ोसी आ जाता है तो हम उसको आओ जी, खाओ जी, बैठो जी, चाय पियोगे जी, दूध तो खत्म हो गया जी, फिर भी चाय के लिए आप पूछते हैं. फिर आप कहेंगे अभी दूध आएगा, तब तक आप बैठो जी, चाय बना देंगे. तो आओ जी, खाओ जी, बैठो जी, अच्छा लगा जी, ये सब तो आप पड़ोसी आता है, पड़ोसी से आपका कुछ लेना ना देना, देना और लेना बस एक सोसाइटी के मेंबर ग्रुप में एक अच्छी बात है. लेकिन यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट में क्या जा रहा है, अगर ये आपके कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर को दिखा रहा है कि आप अपने ग्रांटेड रिलेशन में आपका बिहेवियर खराब है. अगर आपका ग्रांटेड रिलेशन में जो आपकी स्पाउस है, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो आपके परमित्र हैं, जो आपके एक्विंटेंस हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उन सब के साथ ग्रांटेड सिचुएशन में आपका बिहेवियर बहुत टैडी है, बहुत खराब है, तो पड़ोसी के साथ में या किसी के साथ में दिखावा करते हुए अगर आपका कोई बिहेवियर हो रहा है तो उस बिहेवियर की कोई भी वक्त नहीं है. इट मीन्स यू हैव फेल्ड मिजरेबली, इट इज नॉट गोइंग टू डू एनी गुड टू यू. ये गुड जो है इसको एक आदत में शुमार कीजिए. और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं मैनीफोल्ड वेज में आपके पास वापस आती हैं, चाहे वो ईगो हो, जेलसी हो, क्रिटिसिज्म हो, ह्यूमिलिएटिंग अदर्स हो, बीइंग नैस्टी विद अदर्स, लोगों के साथ में बहुत अभद्रता का व्यवहार करना, क्वेरल करना, लोगों से झगड़ा करना, फ्रिक्शन करना, बैड पॉलिटिक्स करना, ये सब बैड कर्मास को भी पैदा करती है. और ये हमारे चंद्रमा को डेबिलिटेट कर देती है, यानी चंद्रमा को हमारे कमजोर कर देती है. तो चूंकि चंद्रमा बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है और इन सभी तरह की नेगेटिव घटनाओं से वो इफेक्ट हो जाता है, और इफेक्ट होने के बाद में आप कभी भी लाइफ में इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा सिग्निफिकेटर है हैप्पीनेस का. चंद्रमा जो है प्लेजर्स का, एंटरटेनमेंट का, उनका प्राइमरी प्लैनेट है. तो आपका हंसी, खुशी, उल्लास, प्रसन्नता, ये सारी चीजें चंद्रमा से बनी हुई हैं. जब आप मेडिटेशन करते हैं तो चंद्रमा बली होता है, और इस चंद्रमा की बली होने से आपके एटीट्यूड में बड़ा 180 डिग्री बदलाव लेके आता है. तो एक तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ में शुमार करें, इससे आपका एटीट्यूड चेंज होगा. और 13 पॉइंट है, फिफ्थ कैटेगरी क्या है मून की, जिसमें आपको प्लेंटी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, वो कंजंक्शन के इन्फ्लुएंसेस होते हैं. तो पहला जो इन्फ्लुएंस है वो चंद्रमा जिसमें सूर्य के साथ में होता है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा को कंबस्ट माना जाता है. लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट जितने भी हैं वो चंद्रमा को कभी भी कंबस्ट नहीं मानते, लेकिन उसे पथ बलहीन मानते हैं, यानी अमावस्या के चंद्र मानते हैं. तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो है जब समय पक्ष बलहीन हो जाता है, तो लेकिन ये कहा जाता है जब भी वो सूर्य से द्वितीय या द्वादश में भी होता है तो चंद्रमा कभी भी अपने लस्टर को, अपने ग्लो को, जो नेचुरल उसका ग्लो है, उसका जो चेहरे पर दिखाई पड़ता है वो ग्लो कभी भी खराब नहीं होता. और सूर्य से हमेशा उसको बल प्राप्त होता है. लेकिन हाँ,
सूर्य के साथ में उसका ये होता है कि वो जो भावनात्मक जो चंद्रमा जिसमें अमावस्या का होता है तो उतनी जो भावना प्रधानता को खत्म कर देता है, क्योंकि चंद्रमा चूंकि भावनात्मक ग्रह है और हर तरह के प्लेजर्स का और इसका ग्रह है, जबकि सूर्य जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लैनेट है जो कि सेलिब्रेसी का है, ब्रह्मचर्य का है, महात्म का है और फीलिंग कंप्लीटली डिटैच का है, और इस वजह से चंद्रमा को थोड़ा सा इसमें हिट होता है पहले कंजंक्शन में। दूसरा जो है चंद्रमा जिस वजह मंगल के साथ कंजंक्ट होता है, तो मैंने आपको बताया कि चंद्रमा एक वाटर की तरह से है, उस वाटर में अगर आप थोड़ी हल्दी डाल देंगे तो पीला हो जाएगा, उस वाटर में आप चाय पत्ती डाल देंगे तो चाय पत्ती का चाय का रंग आ जाएगा, वाटर में आप मिल्क डाल देंगे तो मिल्क का कलर आ जाएगा। तो इस वजह से चंद्रमा एक सौम्य ग्रह होने की वजह से जब वो मंगल के साथ होता है तो सौम्य होने की वजह से बड़ी जल्दी वो मंगल की क्वालिटीज को, बैड एंड गुड क्वालिटीज को, दोनों को प्रिजर्व करता है, अपने अंदर समावेश करता है। तो ऐसे लोग बहुत इंडस्ट्रियस हो जाते हैं, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट हो जाते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, किसी भी काम को पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, काफ़ी डेयरिंग हो जाते हैं, उनके अंदर एक हिम्मत अप्लाई होती है, एंटरप्राइजिंग हो जाते हैं, कोई नए काम को उठाना करना के साथ में लीडरशिप क्वालिटीज हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मंगल की वजह से चंद्रमा को क्या कुप्रभाव होता है कि वो मंगल चूंकि रेस्टलेस है तो चंद्रमा भी प्रभावित हो जाता है। मंगल का प्रभाव होना उसके भावों को प्रभावित करता है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव होना पूरी कुंडली को प्रभाव करता है। चंद्रमा चूंकि मंगल के साथ है तो पूरी कुंडली प्रभावित हो जाती है, तो जातक प्रभावित हो जाता है, वो रेस्टलेस हो जाता है, वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, वो काफी झगड़ालू हो जाता है, वो अनवॉरंटेड एग्रेसिव हो जाता है जहाँ एग्रेसिव उसको नहीं होना चाहिए, जैसे बच्चों के साथ अपने भाइयों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, उनके साथ में ये अनवॉरंटेड एग्रेसिवनेस है। एग्रेसिव होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है कि जिनको मार के पीट के आपने बिहेवियर चेंज करना है, वो सब प्यार के जो है, प्यार के भूखे होते हैं, प्यार से समझाने पे उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, लास्टिंग चेंजेस आते हैं। ये आपको अनवॉरंटेड एग्रेसिव बनाता है, आप जो है किसी भी तरह की आप झगड़ा सुवाद ये सब बिना किसी लॉजिकल रीजन के आप उसको पिकअप करने लगते हैं। इसके बाद जो है मून अगर शनि के साथ में कंजंक्ट होता है तो इसका जो गुड साइड है, मून जो कंजंक्ट होता है शनि के साथ में तो ये शो बिजनेस में आदमी को ये शो बिजनेस में आदमी को आगे प्रमोट करता है, क्रिएटिव राइटिंग में प्रमोट करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे पोएम्स है, नज्म है, क्लासिकल म्यूजिक है, रिसर्च वर्क है। नेगेटिव साइड जो इसकी है उसके अलावा ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। अगर आप फिल्म वाले सेलिब्रिटीज का या नौसाद साहब का या कल्याण जी, आनंद जी, इन सब की आप हॉरोस्कोप देखेंगे तो आप देखेंगे, या गुलजार साहब की तो आप देखेंगे, चंद्रमा और शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट है। इसलिए गुलजार साहब की आप देखिए पोएम्स कितनी इंस्पिरेशनल है, कितनी अच्छी लिखी हुई है। तो चंद्रमा और शनि के साथ होना व्यक्ति को एक शो बिजनेस के अंदर इस्टेब्लिश करता है, क्रिएटिव राइटिंग में अच्छा करता है, पोएम्स है, नज्म है, क्लासिकल म्यूजिक है, रिसर्च वर्क है, इस तरह की चीज़ों से ओतप्रोत करता है। लेकिन उसका एक नेगेटिव साइड भी है, तो नेगेटिव साइड ये है कि वो नेटिव को किसी भी व्यक्ति से, चूंकि अलगाववादी ये प्लैनेट है तो ऐसे लोग जो है किसी क्लोज रिलेशन के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ाव की फीलिंग नहीं रखते हैं, वो थोड़ा सा शक्की मिजाज भी होते हैं, वो किसी तरह कभी उनके लाइफ में अगर क्रिटिकल रिमार्क होते हैं या इंसल्ट होता है उसको लेट गो नहीं कर पाते, उस डेड मेमोरी के साथ में वो जिंदगी भर चलते हैं, वो डेड वेट ऑफ मेमोरीज जो अपनी पीठ में लाद के बहुत लंबे समय तक घूमते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि फला फला मित्र ने मुझको सन 1999 में ये बोल दिया था, तब से मैं उस मित्र से बात नहीं कर रहा हूँ, या मेरे पिताजी ने या माता जी ने मुझको आज से 12 साल पहले ये बोला था कि किसी बात पे एकदम से नाराज हो गए, उन्होंने कहा घर मत आना, तो आज 12 साल हो गए मैं पिताजी के घर नहीं गया, तो उस बात पर बड़ा फक्र महसूस करते हैं। लेकिन आप इस कुंडली में देखेंगे तो चंद्रमा और शनि का, इसीलिए इसको विष योग कहा जाता है, लेकिन मैं इसे विष योग नहीं मानता क्योंकि विष योग का मतलब तो पॉइजन हो गया, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये एक बहुत अच्छा योग है क्योंकि आदमी को नज्म का, पोएट्री का, क्रिएटिव राइटिंग का इन सब का शौक देता है, क्लासिकल म्यूजिक का, एक आदमी बड़ा एकम्प्लिश्ड होता है, एक अच्छा रिसर्चर होता है। हाँ,
इसका एक नेगेटिव साइड भी है, इसीलिए आप देखिए कि फिल्म वाले जो है बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर वो सेंसिटिव नहीं होते तो इतना अच्छा एक हमारा एक्टर जो है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया होता, क्योंकि डेड वेट को कभी भी निकाल नहीं पाते हैं अपनी लाइफ में से, वो चीज इनकी लाइफ में दिखाई पड़ने लगती है, तो किसी तरह का इंसल्ट होता है, क्रिटिकल रिमार्क होता है दूसरों से, उस डेड वेट की मेमोरीज को वो लगातार अपनी बैक पे कैरी करते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव हो जाते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव का मतलब है कि वो अपनी पत्नी है बच्चे उनके प्रति बहुत ज्यादा पोजेसिव एंड प्रोटेक्टिव होने की वजह से वो उनकी जो पर्सनल स्पेस है, जो पर्सनल फ्रीडम है, उसको बिल्कुल डिनाई कर देते हैं। तो इसमें जो है पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, दूसरे लोग हैं, वो उनके साथ में घुटन का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ओवर प्रोडक्टिव एंड पोजेसिव हो जाते हैं कि वो घुटन का अनुभव कराने लगते हैं। तो उसमें चंद्रमा को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, आपको जो है हर आदमी को स्पेस देना चाहिए, और एक बात याद रखनी चाहिए कि गॉड इन हिज हेवन एवरीथिंग इज राइट विद द वर्ल्ड। आपको भगवान पे अगर यकीन नहीं है तभी आप इस तरह की हरकतें करेंगे, अगर भगवान और भगवान की सत्ता पे अगर आप यकीन करते हैं तो कुछ चीजें आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। उसने जब जन्म दिया, अगर आप नहीं होते तो उनको प्रोटेक्ट कौन करता, उनको भी तो उनका भी तो पालनहार भगवान ही है, तो भगवान उनको जो है लुकाफे करेगा, इस बात पर विश्वास कीजिए, भगवान की सत्ता पे विश्वास कीजिए, और उनको भी थोड़ा स्पेस दीजिए लाइफ में, उनको थोड़ा इंडिपेंडेंटली सोचने का मौका दीजिए। बहुत प्रोटेक्टिव बहुत प्रोजेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, एक एडिकेट कॉशन की जरूरत है। एडिकेट कॉशन का मतलब है कि कुछ कॉशन की तो डेफिनेट जरूरत होती है, लेकिन अब बहुत ओवर कॉशियस हम लोग हो जाते हैं, ये चंद्रमा और शनि का आपस में प्रभाव है। इसके बाद जो है चंद्रमा को, चंद्रमा जिसमें राहु के साथ होता है, जैसे अभी प्रदीप गुल्ला साहब ने कहा कि उनका चंद्रमा राहु के साथ है, तो राहु जो एक ऐसा प्लैनेट है जो एसोसिएटेड विद अनडिसाइडेड थॉट्स पैटर्न का प्लैनेट माना जाता है। अनडिसाइडेड का मतलब है कि वो किसी भी बात में फिक्स्ड ओपिनियन वाला प्लैनेट नहीं होता, वो थोड़ा ऑसिलेटिंग प्लैनेट माना जाता है, इसीलिए उसको रोलर कोस्टर राइड से उसकी युति, उसको उसको उसकी आप सिमली या उसकी युक्ति, आप जो है उसका एक इम्प्रेशन आप जो है रोलर कोस्टर राइड की तरह से लेते हैं, कभी वो बहुत ऊंचे जाता है, कभी वो नीचे आता है। और चूंकि राहु एक साइकोलॉजिकल डिजीजेस का भी प्लैनेट है, और नॉट बीइंग जो है मतलब राहु की वजह से आदमी का कोई क्लियर कट गोल नहीं होता, कोई बात नहीं होता, कोई सोच नहीं होती, और स्मॉल स्मॉल मैटर्स को, राहु को कबाड़ से क्यों रिलेट किया गया है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों को भी लेट गो नहीं कर पाता, वो दिमाग के अंदर छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ के बैठता है, क्योंकि वो बहुत स्टेडफास्ट पकड़ने वाला माना जाता है। इसलिए कहा जाता है राहु जिस भाव में होते हैं उस भाव को जकड़ के रखते हैं, यानी पकड़ के रखते हैं, यानी उस भाव के सिग्निफिकेशन से एक लगाव की स्थिति करते हैं। और केतु जो है वो डिटैचमेंट के हैं, तो जिस भाव में बैठते हैं उससे अलगाव दे देते हैं, तो किसी भी तरह की फाइट फ्रिक्शन या कोई भी स्टेटमेंट 20 साल पहले भी अगर किसी व्यक्ति के जीवन में होता है उसको बहुत लंबे समय तक उसको वो याद रखते हैं, उनका दिमाग जो है क्लटर्ड होता है। क्लटर्ड का मतलब वो एक तरह से कबाड़ खाने की तरह से हो जाता है, कि उनको सारी मेमोरी गुड एंड बैड जो है उनको एसोसिएटेड विद द लाइफ, उसको भूल नहीं पाते हैं। लेकिन अब आप अच्छाइयां भी सुन लीजिए, राहु एक प्लैनेट है जो स्टेडफास्ट एसोसिएशन और क्लिंगिंग का है। राहु के चंद्रमा के साथ बैठे थे एक व्यक्ति का तादाद, एक व्यक्ति का अटैचमेंट विद अदर पीपल बहुत स्टेडफास्ट होता है, वो पत्नी हो बच्चे हो वो उनके प्रति जो है बड़ा 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 सिंसियर एक तरह से स्टेडफास्ट एसोसिएशन का मतलब है अनफ्लिंचिंग है, वो बड़ी जल्दी डिस्टर्ब होने वाला नहीं है, वो दे आर गोइंग टू बी ग्लूड एंड दे आर गोइंग टू क्लिंग। क्लिंग का मतलब है उसको पकड़ के उसको लटक के रहना, मतलब उससे उससे हमेशा एक एसोसिएशन फील करना। तो वो इसलिए क्या होता है वो सफर करते हैं फियर ऑफ लूजिंग समवन और समथिंग, तो उनके साथ में ये देखा जाता है कि उनको एक ये फियर भी रहता है उनके दिमाग में कि कोई चीज वो लूज ना कर दें, कोई फियर ऑफ लूजिंग समथिंग और समवन, ये उनके जिंदगी में एक हमेशा एक फियर के रूप में रहता है। और इसके अलावा मॉडर्न ऑथर्स जो हैं वो राहु को एसोसिएट करते हैं थोड़े कंफ्यूजन के साथ में वो एसोसिएट करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो राहु है वो थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में रखता है,
लेकिन मैंने ये देखा है कि राहु जो कंजक्ट मून होता है, ऐसे लोग बड़े हाईली इंट्यूटिव होते हैं, उनका इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा होता है, तो वो थोड़ा सा जेलस जरूर होते हैं लोगों से, दूसरों से, और कभी कभी वो इनर्शिया शो करते हैं, यानी इनर्शिया मतलब है कि वो एक्टिविटीज को शन करना और थोड़ा इनर्शिया दिखाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा योगा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे। अभी हम प्रदीप साहब से भी इस बात का फीडबैक लेंगे, बट द सेम टाइम ऑब्सेसिव इन लर्निंग हैबिट्स होती है। ऑब्सेसिव इन लर्निंग हैबिट्स का मतलब है कि वो हर चीज के लिए, जैसे वो क्लिंगिंग प्लैनेट है तो वो ऑब्सेशन शो करता है, ऑब्सेशन करता है, ऐसा आदमी बहुत ढेर सारी लर्निंग्स के तरफ, वो अगर वो जॉब में भी होगा तो वो उस बात से सेटिस्फाई नहीं होगा कि जितनी लर्निंग उन्होंने कर ली है, तो वो हमेशा थ्रू आउट उसको उनको डेवलपमेंटल मोड पे रखता है और लर्निंग के मोड पे रखता है, ऐसे व्यक्ति को आउट ऑफ बॉक्स थिंकर बनाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा बहुत अच्छी सोच और नए नए आइडियाज लेके इम्प्लीमेंट करते हैं, वो ये लोग जो हैं बहुत अच्छा करते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में, बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में, क्लिनिकल साइकोलॉजी के क्षेत्र में, सब्जेक्ट्स रिक्वायरिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ रिसर्च एंड स्किल सेट, ऐसी चीजें जो है बहुत धैर्य की जरूरत होती है। चंद्रमा के और राहु के साथ में होने से वो व्यक्ति को जो है इस तरह का बनाती है कि वो इस तरह के रिसर्च वर्क में और इस तरह के स्किल सेट्स में जो कि बहुत धैर्य वाली होती हैं, उनमें व्यक्ति को जोड़ के रखता है। इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बड़े देर तक वो पेशेंट से बात करते हैं, उनकी हर तरह की वाहियात बातों को भी सुनते हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से सुनते हैं, कभी उनको बीच में नहीं टोकते, कभी उनको बीच में नहीं बोलते कि तुम गलत हो, और वो हमेशा उनको एनकरेज करते हैं। तो ये आप डॉक्टर विनय सिंह से पूछ सकते हैं जो कि क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं, तो कितना पेशेंस जरूरत होती है पेशेंट के साथ। मेरा राहु मून के नक्षत्र में है, बिंगो, इसीलिए आप अच्छे नक्षत्र में है। क्या बात है सब, पर मेरे राहु में कोई क्वालिटी नहीं मिल रही है इससे, सारी अपोजिट है। तो वो तो फिर किसी का गुरु का एस्पेक्ट होगा, किसी का कुछ ना कुछ ऐसा होगा। मेरे एक लाइन को छोड़ के जो लास्ट लाइन है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, उसके अलावा कोई चीज नहीं मिल रही है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। रेक्टिफिकेशन चाहिए। नहीं नहीं वो तो ठीक है, नहीं ऐसा है ना, देखिए कभी कभी क्या होता है, इस बात को समझिएगा, चंद्रमा राहु के साथ में होने की वजह से ये थोड़ा ना सेल्फ ऑब्जर्वेशन का प्लेनेट इसको ब्लॉक करता है। आपके बाबत जो है जो बातें हैं वो आपके, कभी आप ना अपने पत्नी से, बच्चों से, उनकी ओपिनियन भी आप लेके देखिएगा। क्या होता है कि एक चंद्रमा और राहु जो है ना वो असेसमेंट में थोड़ा अप डाउन करते हैं, सेल्फ असेसमेंट स्पेशली उसमें थोड़ा ब्लॉकिंग करता है आदमी को, कुछ बातों के प्रति वो कॉन्टिन्यूस एक फीलिंग देता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं इन चीज़ों को पसंद करता हूँ, तो एक मिराज की स्थिति वो पैदा कर सकता है। आप देखिए इसमें जो है हाईली इंट्यूटिव होना, थोड़ी सी जेलसी का होना, अब एक कुछ भी नहीं था मेरे संग, आपको बताने के बाद अगर हम पूछे कि कोई आदमी जेलसी यहाँ पे जेलसी है ही नहीं, किसी से जेलसी नहीं है। सर आप अपने हॉरोस्कोप ग्रुप में जरूर शेयर करिए ताकि हाँ करूंगा, पर इज रियलिटी कि मुझे ना किसी से जेलस है ना कुछ, मुझे वो है जो स्वभाव नेचर है वो भी ऐसा नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स जरूर सोचता हूँ। प्रदीप सर आपका शनि ना बहुत स्ट्रांग है, नहीं अच्छा बुरा मानते होंगे जब बृहस्पति भी देखता होगा। नहीं नहीं बिल्कुल किसी का मैंने आज से बुरा ही नहीं माना आज तक जिंदगी में। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा देखिए प्रदीप साहब ऐसा होता है कि जो चंद्रमा और राहु का जो आपस में संबंध होने से जो घटनाएं होती हैं वो घटनाओं का एक्सेप्शन, मैंने आपको इसमें बताया कि जो है मून को बैलेंस कौन करता है, आपका लगन का स्वामी, लगन के स्वामी की जो प्लेसमेंट है, याद रखिएगा कि कुंडली में एक व्यक्ति की पर्सनालिटी वो किन चीजों से उभर के आती है,
एक तो लगन के द्वारा, क्योंकि लगन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप जानते हैं कि लगन की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादातर बाय एंड लार्ज लोगों के ऊपर वो लागू होती है। कुछ लग्न जो है, लग्न की कैरेक्टरिस्टिक जो है उनके फिजिक एंड पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है। इससे ज्यादा जो है लगन के स्वामी की स्थिति, लगन का स्वामी जो है किस राशि के अंदर है, वो भी आदमी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। और तीसरा कंपोनेंट होता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है मैंने आपको बताया फिफ्थ कैटेगरी है, और मैंने इसके अगर आप शुरू में देखें, आप एक बार देखिएगा कि जो मैंने इसमें साफ में क्या है, इसके पॉइंट नंबर फाइव के पहले ही मैंने आपको दिया है कि फिफ्थ कैटेगरी ऑफ मून इज अ प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस ऑफ मैलिफिक कंजंक्शन। दिस इन्फ्लुएंस ऑन मून इज अ शैलो इन्फ्लुएंस। आप प्रदीप साहब इस बात को थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा कि मैंने जो है ना हर चीज को बड़ी अच्छी वेडिंग के साथ लिखा है। मैंने इसमें पहले ही बोल दिया है, I have written it in the beginning itself. Yes, sir. Fifth category of moon is by planetary influence of malefic conjunction. This influence on moon is a shallow influence and gets transformed by prayer dhan of that planet. Yes. Or iske alawa, this also gets transformed not just because of other things, but because of the attitude. Maine aapko bataya point number two ko jo log perceive karte hain, unke upar to ye chuki shallow influence hai, to unke upar bilkul bhi lagu nahi hoga. अगर आप जो है, अगर आप लोगों को, लोगों की आप प्रशंसा करने में, अगर आप आदतन, अगर आप पत्नी का, माँ की सेवा करते हैं, आप लोगों के साथ में आप यू आर ऑलवेज वेरी नाइस एंड हंकी डोरी विद पीपल, यू एक्चुअली लुक, आप हमेशा यू आर वेरी वेरी पॉजिटिव एंड यू आर बिहेविंग इन अ वेरी नाइस एंड थोरो जेंटलमैनली वे टू अदर्स, तो ये सारी की सारी चीजें जो है इस शैलो इन्फ्लुएंस को डब कर सकती है। हाँ तो मैं नाइस तो मैं हूँ सबके साथ, क्योंकि जिसने मेरे साथ जिंदगी में कभी काम कर लिया, he always want to work with me again. Very good. ऐसा है। Very good. मैं आपको जो एक रिएक्शन भी दूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो दे रहे हैं रिएक्शन हमारे विश्वामित्र साहब, मुझे रिएक्शन बॉक्स में नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छे। लेकिन मैं आपको रिएक्शन देना चाह रहा हूँ, कुछ मैं आपको यू समझ लीजिए कि मैं आपको एक तालियों का रिएक्शन देना चाह रहा था इसमें। थैंक यू सर, पानी लीजिए बस आप। आइए आप। थैंक यू। मेरे वाले उसमें रिएक्शन वो कह रहे हैं कि भैया जो मेरा भी लैपटॉप कहता है कि जहां तक स्वयं इतना रिएक्शन देने वाला है पॉजिटिव, तो ही डजंट रिक्वायर एनीथिंग आर्टिफिशियल। थैंक यू सर। मेरे वाले में तो मुझे लग रहा है डिसेबल ही चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि ये एक शैलो रेफरेंस है। जब आप कच्चे ज्योतिषी के पास जाते हैं तो आपने देखा है कि कच्चे ज्योतिषी जो है वो बहुत ज्यादा आप लोगों को डराते हैं, और वो लोग कहते हैं कि आपका विष योग है, या वो कहते हैं ग्रहण योग है, या वो कहते हैं चंद मंगल योग है, मंगल का बहुत इल इफेक्ट है, या वो कहते हैं कि ये चंद्रमा कंबस्ट है, अमावसिक बर्थ है, तो एक ये बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है। और अभी मैंने इसमें दो तीन ही लिखा, वो नेक्स्ट वाले में डालूंगा, चंद्रमा के बुद्ध के साथ होने से क्या होता है, चंद्रमा के गुरु के साथ होने से क्या होता है, चंद्रमा के शुक्र के साथ। मैं कॉम्प्रिहेंसिवली मैं सभी को कवर कर लूंगा। आज मैं क्लास के पहले इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने एज इज वेरियस बेसिस पे मैंने इसको शेयर किया है। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि अब आप ये देखिएगा कि वो किन चीज़ों में अच्छा करते हैं, मेडिसिन में, बायोकेमिस्ट्री में, चंद्रमा और राहु का अगर संबंध होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। डॉक्टर विनय जी कह रहे हैं कि उनका जो चंद्रमा है वो राहु के नक्षत्र का है, या उन्होंने कहा राहु मेरा चंद्रमा के नक्षत्र का है, कौन सा बोला है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आपका चंद्रमा आपका किस नक्षत्र का है डॉक्टर विनय जी? रोहिणी में, राहु रोहिणी में है। अच्छा, बहरहाल इनका राहु जो है वो रोहिणी नक्षत्र का है, यानी चंद्रमा के नक्षत्र का है। इसलिए आप देखिए कि डॉक्टर विनय जी बहुत अच्छा पढ़े हुए हैं, बहुत ही गुणवान तरीके से गुणवत्ता के साथ में ये मेडिसिन को भी समझते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी को भी समझते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल हैं, और इसके अलावा साइकेट्री को बहुत अच्छा समझते हैं। और ज्योतिष में जब मैंने इनसे बात की तो मुझे लगा कि मैं किसी गुरु समकक्ष व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, तो इनकी बड़ी पैठ है, पकड़ है। विश्वामित्र साहब इस बात को सेकंड करेंगे, क्योंकि विश्वामित्र साहब जो इनके दोस्त भी हैं, जानते हैं, और वो बताएंगे कि डॉक्टर विनय सिंह कितना अच्छा जानते हैं ज्योतिष को,
साहब क्या बोलते हैं आप? हाँ, इनकी टिप्पणी से पता चल जाता है, जानते हैं। विश्वामित्र साहब, ये डॉक्टर विनयशील जो है काफी ज्योतिष में बड़ी गहराई से समझ रखते हैं, क्या बोलते हैं आप? जी सर, विनयशील जी ना एक्चुअली प्रतापशील जी के ब्रदर है ना, तो वहां से मेरा कनेक्ट जुड़ा हुआ है इनसे। तो लेकिन ये जेनेटिक फैक्टर नहीं हो सकता कि सर, लेकिन पहले से काफी इनके ना तारीफों के पुल थे मेरे पास। मतलब हमारी नववांश में ना मुलाकात लेट हुई, बस ये वाली बात है। नहीं, वो डॉक्टर विनयशील जी जो है हर चीज को बड़े बहुत ही मतलब काफी गहराई से पकड़ के उसको वो करते हैं। जब मैं इनसे बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है, विनयशील जी ने मेरी कुंडली को का विश्लेषण किया था जब हम लोग पहली क्लास में जब स्टार्ट हुए थे एक साल पहले। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी मतलब ही हैज गॉट अ वेरी इनडेप्थ एनालिसिस और इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग है चीजों की। और अब वो इंग्लैंड में वो एक अपनी वेबसाइट भी शुरू कर रहे हैं, वेब पेज शुरू किया है। अब वो ज्योतिष पढ़ाने के उसमें वो आजकल वो कसरत करने लगे हैं ताकि वो ज्योतिष पढ़ाना शुरू कर दें। तो बढ़िया, तो दंड बैठक वगैरह लगा रहे हैं ताकि वो पेटेंट फाइल हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा तो ये तो गुरु तो भंडारी सर जैसे गुरु हैं जो कि अनटायरिंग एनर्जी के साथ में आवर्स कॉन्टिन्यूसली बोलते हैं, तो मुझे भी काफी दंड बैठक लगा के और डम्बल संबल करके और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो आजकल कर रहे हैं, जल्दी ही हमारा आशीर्वाद रहेगा, ये जल्दी शुरू करेंगे और इस नॉलेज को आगे स्प्रेड करेंगे। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट जो लॉन्ग आवर्स ऑफ रिसर्च एंड स्किल सेट देता है, तो राहु उस तरह से चंद्रमा के साथ में बैठ के इन क्वालिटीज को इम्प्रूव करता है। वो राहु चूंकि अपनी परसुएसिव नेचर के लिए जाना जाता है, तो इसलिए स्लो एंड स्टडी बट गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट देता है। यानी कि व्यक्ति जो है बहुत क्विकली तो नहीं समझेगा राहु, लेकिन बड़े गहराई से जाके समझेगा और थोड़ा स्लो एंड स्टडी होगा। स्टडी का मतलब है कि वो कंसिस्टेंट होगा और बड़ी अच्छी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन क्षेत्रों में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में ऐसे व्यक्ति अपनी पावर ऑफ राहु की पावर की वजह से बहुत अच्छा करते हैं। राहु जो है एक इस बात के लिए भी, चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ राहु इस बात के लिए भी जाना जाता है कि वो ह्यूमन माइंड की लिमिट्स को टेस्ट करता है। तो मैंने उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि पायलट्स जो हैं, जो साइमल्टेनियसली मल्टीट्यूड ऑफ कॉकपिट के इक्विपमेंट्स को स्टडी करते हैं ड्यूरिंग फ्लाइंग ऑफ द प्लेन, वो एक एक्चुअल टेस्ट है राहु का ह्यूमन माइंड के ऊपर। और वो आप देखते हैं कि वो लोग चेकलिस्ट पढ़ते हैं किस तरीके से वो सिक्स सिग्मा पे वर्क कर रहे होते हैं और कॉकपिट के सारे इक्विपमेंट्स को, सारे के सारे डायल्स को वो बिल्कुल अच्छी तरह से वो पायलट जो है वो उसको समझते हैं और उसको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ के उस पर वर्कआउट करते हैं। और तो ये एक राहु का एक टेस्ट है ह्यूमन माइंड पे कि वो किस तरीके से मल्टीपल परम्यूटेशन। इसी तरीके से हम देखते हैं कि राहु जो है इसका एक अच्छा जो राहु होता है वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में एक अच्छा राहु होता है, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर भी मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हॉरोस्कोप के उनको स्टडी करता है, एक अच्छा हॉरोस्कोप अच्छा एस्ट्रोलॉजर। और ये राहु के अच्छे होने की वजह से होता है, तो एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में राहु अगर फिफ्थ हाउस में है या थर्ड हाउस में है, तो चूंकि वो फिफ्थ का लाभ भाव है, जैसे सुनील जी की कुंडली में राहु थर्ड हाउस का है, मेरा भी सर थर्ड हाउस का है। हाँ, तो थर्ड हाउस का राहु जो है वो उसका पंचम का लाभ का हो गया, तो एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो बनाता है, क्योंकि वो पंचम का राहु हो या तीसरे का राहु हो, इवन छठे का भी राहु वाले अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। डॉक्टर विनयशील, आपका राहु कहाँ है? गुरुजी, मेरा राहु नवम में है, कन्या लगन है। और देखिए नवम में इनका राहु है तो टॉरस में। हाँ, तो आप देखिए कि टॉरस का इनका राहु है और नाइन्थ हाउस में बैठा है, तो आप नाइन्थ हाउस भी आप जानते हैं वैदिक अध्ययन का है, विद्या अध्ययन का है। तो मैंने जो आप लोगों को बताया है कि कल से आप ये मत सोचिएगा कि यार ये क्या गुरु जी ने समझा दिया, हम सब राहु प्रधान हैं, हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप जो है राहु की तरह चक्कर घिरनी की तरह से आप लोग जो है पता चला अपने कमरों में डांस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई आज तक तो
सुनील जी ने तो आज तक हमें बताया नहीं कि हम मतलब राहु प्रधान है, लेकिन आप यकीन मानिए अच्छा राहु होने की वजह से ही आप सब इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को देख पा रहे हैं और सोच रहे हैं, क्योंकि ये राहु जो है ना आपके माइंड को टेस्ट करता है, उसकी लिमिट तक उसको धकेल के टेस्ट करता है। आप देखिए ज्योतिष जिस तरह से कॉकपिट में एक पायलट को इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इतने डायलर्स, इतने जो है सिग्नल और इतनी चीजों को रीड करना होता है ड्यूरिंग द फ्लाइट। अब दो तीन आदमी होते हैं जिसमें कई बार जो है प्लेन में सिर्फ दो ही पायलट होते हैं, कैप्टन होता है उसका, एसोसिएट पायलट होता है, तो वो दो लोग जो हैं उनको सारे को स्टडी करते हैं और सिक्स सिग्मा पे। इसी तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर को देखिए कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को वो देखते हैं और वो देख के उसमें से निकालते हैं, उसमें से वो निकाल के लाते हैं कि क्या इसका कंक्लूसिवली इसका क्या रिजल्ट होगा आपकी लाइफ में। तो ये एक राहु का एक क्षेत्र हो जाता है, इसीलिए एक अच्छा राहु आपको हमेशा दिखेगा किसी भी एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में। मैंने ज्यादातर जो बड़े एस्ट्रोलॉजर देखे उनकी कुंडली में मैंने या तो राहु की अच्छी प्लेसमेंट देखी उनकी कुंडली में, पंचम का राहु देखा या थर्ड का राहु देखा या छठे का राहु देखा या नवम का राहु देखा, या मैंने उनकी कुंडली में मंगल और शुक्र को साथ में देखा। तो मंगल और शुक्र भी एक व्यक्ति को बहुत ही अच्छा ये योग बनता है, इसे खामखा बदनाम किया जाता है कि कामुकता का योग है, सेक्सुअलिटी का योग है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बहुत ही क्रिएटिविटी का योग है। और मंगल एक विगर वाइटलिटी का प्लैनेट है और शुक्र जो है क्रिएटिविटी का प्लैनेट है, तो एक व्यक्ति को बहुत अच्छी क्रिएटिविटी क्रिएट करता है और ये एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत फायदा देता है। आप कभी डॉक्टर संजय रथ की बुक पढ़ेंगे जो ज्यादातर जामी ज्योतिष में लिखते हैं, वो मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन को वो एक मस्त कॉम्बिनेशन मानते हैं फॉर एस्ट्रोलॉजिकल रीजन, फॉर बीइंग ए गुड एस्ट्रोलॉजी टीचर और गुड एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर। अब आई बात राहु केतु और चंद्रमा की, तो उसके साथ हमारी ये क्लास खत्म हो जाएगी। तो चंद्रमा और केतु जब साथ में होते हैं तो एक नेगेटिव पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि केतु का एसोसिएशन चंद्रमा से होने से फियर एंड फोबिया देता है, अनफाउंडेड अप्रीहेंशन देता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को अचानक ऐसे डर के ऐसे वातावरण नजर आता है। ये जो है एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि डू एंड डाई का कॉम्बिनेशन है, तो ये चार्ट में स्पाइस की चार्ट में जो लोग की जो जैसे ISI है, जैसे रॉ है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो स्पाइंग का वक्त, या CIA है या सीक्रेट सर्विसेज है वो इस तरह की जो, या आपके KGB है या मसाद है या M5 है M6 है, इस तरीके के जितने भी स्पाइंग यूनिट्स हैं उनके लिए अच्छा है, पुलिस एंड आर्मी ऑफिसर्स के लिए अच्छा है। केतु और चंद्रमा साथ में होता है तो डू एंड डाई की सिचुएशन होती है, तो वो कब इस मुकाम तक कर गुजरते हैं कि या तो हम खुद रहेंगे या वो दूसरे को एनिमी को मारेंगे, तो बड़ा डेयरिंग किस्म के बना देते हैं। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर में देखा जाता है तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो एक्सट्रीम डू एंड डाई का माना जाता है। तो ये ऐसे लोग जो है स्पोर्ट्स में, एडवेंचर स्पोर्ट्स में, रिस्की जॉब में, इन सब में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बट दे इसमें इन केसेस में वायलेंस एंड सुसाइडल अटेम्प्ट की भी संभावना रहती है। लास्ट में 14th पॉइंट में मैंने लिखा है, इन द एंड स्प्रेड हैप्पीनेस इन अदर्स लाइफ विद मॉडेस्टी एंड इंप्रूव द पावर ऑफ योर माइंड। मॉडेस्ट होके झुक कर आप फलों वाले जो है वृक्ष बने और झुक जाएं, क्योंकि जितना ये फैदर इन द कैप होगा आप जितने बड़े ज्ञानी है उतने ज्यादा आप जो है झुकाव आपके अंदर होना चाहिए। कोई घमंड नहीं होना चाहिए कि आपको ये आता है या आपने इतना धन कमा लिया या एक बहुत बड़े आप लीडर बन गए, आपके अंदर मॉडेस्टी होनी चाहिए, झुकाव होना चाहिए। आपको हर व्यक्ति में, हर आत्मा में, हर सोल में आपको ईश्वर का ही वास्ता की नजर आए, आप हरेक को इज्जत दें, हरेक को आप प्यार बांटें, हरेक की खुशियां करें, इस तरीके से आपका जो मून है वो पॉजिटिव इम्पेक्ट में आएगा। लेट्स कम टू एनी क्वेश्चन यू हैव। हाँ सदब पूछिए, सदब ने पहले हाथ खड़ा किया है, ऐसी प्रश्न संबंधित। सर मैंने पूछना था कि सर जो मेरा राहु है वो हास्ता नक्षत्र में है, तो हास्ता में होने से सर एक दफा किसी ग्रुप में बात हो रही थी एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में,
वो बात कर रहे थे कि अगर राहु हास्ता में हो तो ये बंदे को थोड़ा थी मतलब जैसे थेफ्ट की तरफ या चोरी चकारी की तरफ भी ले जाता है तो सर मैं बड़ा उसमें मैंने कहा अच्छा लेकिन मैंने कहा लेकिन मुझे आप अच्छा लग रहा है कि आप हंस रही हैं इसका आपका चंद्रमा बलवान हो रहा है पहली बार आप तादिक से लेकर और नमांशा तक में पहली बार मैं आपकी हंसी देख रहा हूँ पॉजिटिव थिंग आज ये चंद्रमा की क्लास जो है मेरे ख्याल से दैट इज द बेस्ट दैट आई हैव डिलीवर्ड ओवर सो मेनी डेज मुझे लगता है ये क्लास बहुत बढ़िया रही ये चंद्रमा बैठ गया है आज ये क्लास पहली देनी चाहिए फर्स्ट क्लास यही तुम जानी चाहिए जितना आप ट्रांसफॉर्म होंगे उतना ज्यादा आप अच्छा जिंदगी के अंदर कर पाएंगे और आज आपको खुश देख के जिसमें आपकी नींद भी भाग गई है इससे आपको बहरहाल कहने का मतलब है अब मैं आपको बताता हूँ आपने कहा ना हस्ता नक्षत्र का है आपका राहु हस्ता का है तो पहली बात है वो चंद्रमा के नक्षत्र का है जैसे कि डॉक्टर विनयशील का राहु जो है वो श्रवण नक्षत्र का है तो रोहिणी का है रोहिणी नक्षत्र तो रोहिणी नक्षत्र का होने की वजह से वो चंद्रमा के नक्षत्र का है तो चूंकि अभी आप डिस्पॉजिटिव वाले में जो नेक्स्ट जो हमारी टेम्पलेट जो मैं कल पढ़ाने वाला हूँ आपको उस डिस्पॉजिटर वाले में इसको आप लोग पढ़ के आइएगा इसमें मैंने आपको बताया है कि वो जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र का एक इंट्रिंसिक रिलेशन विद द प्लैनेट होता है और चूंकि वो प्लैनेट के साथ में पूरी तरह से अभिन्न अंग होता है तो जब भी कोई प्लैनेट किसी नक्षत्र का होता है तो उस नक्षत्र के साथ में वो उसका एक नक्षत्र जो है वो पूरी तरह से उस प्लैनेट के द्वारा गाइडेड होता है तो गाइडेड ही नहीं होता वो पिता पुत्र की तरह से बिहेव कर रहे होते हैं यानी वो बहुत जुड़ाव के साथ वो गुरु शिष्य की तरह बिहेव कर रहे होते हैं तो क्योंकि गाइड का फोर्स है आपके मेंटर कौन रहे हैं आपके पिता रहे हैं माता रही हैं या आपके गुरु रहे हैं तो इसी तरीके से वो एक रोल होता है जो बड़ा अभिन्न रोल होता है तो अगर आपका राहु अगर चंद्रमा से संबंधित है तो चंद्रमा पे राहु के पकड़ बनती है वही डॉक्टर विनयशील के साथ हाँ बाप सर ये चोरी वाली बात ठीक है नहीं ये बात बिल्कुल गलत है ये बात गलत है मैंने आपको पहले भी बताया था आपको ये देखना होता है कि वो किस पद का है मैंने आप लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया है वो कॉन्सेप्ट ही शाश्वत सच है आपने देखना है कि आपका जो चंद्रमा है वो कौन से पद का है अगर वो प्रथम पद का है तो धर्म पद का है अगर द्वितीय पद का है तो अर्थ पद का है तृतीय पद का है तो काम पद का है और चौथे पद का है चौथे चरण का अगर आपका चंद्रमा है तो मोक्ष पद का है मोक्ष पद का चंद्रमा आपको ये मोक्ष पद का जो आपका चंद्रमा होता है वो आपको बहुत ही एलिवेटेड थॉट देता है वो लाइफ आफ्टर डेथ के देता है एस्ट्रोलॉजी के देता है एक रिसर्च के देता है ह्यूमैनिटी के देता है एनजीओ को देता है प्रथम पद का होता है धर्म के देता है धर्म से संबंधित देता है प्रथम पंचम और नवम के देता है संतान के और धन के और इस तरह पूजा वैदिक अध्ययन के दूसरा वाला वर्दी होता है वो आपको दो छह दस के देता है लेकिन ये कहना कि हफ्ता में होने से किसी को चोर बनाता है मैं इस बात से बिल्कुल भी इतफाक नहीं करता हूँ ये बिल्कुल बकवास है आप बताइए आपने क्या चोरी किया आपने अपने शोहर का दिल चुराया इसके अलावा क्या चुराया सर असल में हास्ता का रिलेशन हाथ के साथ हाथ की एनर्जीज के साथ तो वो उस बारे में बात कर रहे थे कि राहु है चूंकि राहु प्लेनेट है तो हाथ का सफाया करने में चोरी में तो इस किस्म के लेकिन सर टैरो रीडर्स भी जो है उनका भी इसमें मैंने पढ़ा था कि हास्ता नक्षत्र जो है यानी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या टैरो रीडर्स हैं उसमें भी ये काम करता है हास्ता नक्षत्र मैंने पॉजिटिव सोची आप एक बात ये सोचिए एक बात ऐसा है ना कि कल को फिर आप कुछ और किसी नक्षत्र को मर्डरर से जोड़ देंगी किसी और नक्षत्र को फिर आप बेटे से जोड़ देंगी कुछ और नक्षत्र को देखिए नक्षत्र जो हैं वो बहुत ही पायस चीजें हैं उनको हम किसी भी नेगेटिव एक्टिविटीज के तौर पर नहीं करते हैं जितने भी नक्षत्र हैं वो काफी पायस नक्षत्र सारे नक्षत्रों के अंदर अच्छाइयाँ हैं जब कभी नक्षत्रों की कोई बात मेरी चलेगी एडवांस क्लासेस में तो मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ आप उससे गुमराह किए कि वो राक्षस श्रेणी में आ रहे हैं या उसमें आ रहे हैं ये सब आपने अभी नहीं सोचना बहुत सिस्टमेटिकली चलना है अभी आपके कंजम्पशन के लिए यही है कि आप जो है सबसे पहले आप ये देखिए कि चंद्रमा आपका चंद्रमा कौन से चरण का है अगर वो प्रथम चरण का है तो उसका मतलब धर्म में धर्म त्रिकोण में आपके जो प्लैनेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं अगर वो अर्थ का है तो अर्थ त्रिकोण द्वितीय चरण का है तो अर्थ त्रिकोण के आपके प्लैनेट्स काफ़ी स्ट्रांग है थर्ड का है तो काम त्रिकोण के आपके स्ट्रांग हैं और गई तो मोक्ष के तो यानी कहने का मतलब है अभी आप ना कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ में इतने ही तक अपने आप को लिमिट में रखिए जब नक्षत्रों के ऊपर कोई क्लास चलेगी बात होगी तो उसके बारे में
ऐसे डिफाइन वे में आपको समझाया जाएगा कि वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। आई डोंट बिलीव इन क्रैमिंग मगिंग अप और किसी तरह का मैं ऐसे याद करना और इन सब में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं कंसेप्चुलाइज करने में बिलीव करता हूँ। अब आपका हाथ में नीचे करता हूँ, आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब यार आप मेरा था शनि नक्षत्र का है और फर्स्ट चरण फर्स्ट पाद का है चंद्रमा। कौन बोल रहे हैं? प्रदीप साहब। अच्छा प्रदीप साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपका अश्विनी नक्षत्र का है और प्रथम भाव का है, तो उसका मतलब वो ये हो गया कि जो आपका चंद्रमा है वो आपके धर्म के त्रिकोण का होता है। तो आपके लिए आप किन बातों पे, देखिए धर्म वाले जो होते हैं वो बड़े राइटियस होते हैं, वो हर काम को बड़े तरीके से करते हैं, वो डिसिप्लिन को मेंटेन करने में कभी कभी शाउट भी करते हैं। यस सर। इसी तरीके से चूंकि वो प्रथम भाव का हो गया तो वो आपको एक बड़ा डिग्निफाइड बिहेवियर देगा। पंचम से संबंधित होगा तो संतान को बहुत डिग्निफाइड बिहेवियर देगा और आपका लव एंड अटैचमेंट संतान के साथ बहुत होगा। संतान से आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, उनका बड़ा एलिवेटेड स्टेटस होगा। और नाइन्थ हाउस जो विद्या अध्ययन का है, गुरु का है, आपको हमेशा एक ये इस तरह का ब्लेसिंग्स मिलेगी कि आपको अच्छे गुरु मिले। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ और मैं नहीं, सर इट्स ट्रू, दिस इज ट्रू। आपको जो भी आपको एक गुरु आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि आपका धर्म त्रिकोण का है तो आपको गुरु अच्छे मिलेंगे। और मैं तो खैर बेस्ट हूँ ही, ये तो मेरा कुछ फैमिली में जीना मुझे अच्छा नहीं सर, मुझे गुरु अच्छे मिले, मैंने जिसे पढ़ा रियली रियली आई एडमायर। अब आप बताइए विश्वास साहब, आपका नंबर है। बोलिए एक ही एक प्रश्न पूछिएगा, दीजिए सर समय बहुत है। सर मैंने तो सर एक चीज को अप्रिशिएट करने के लिए मैंने हाथ खड़ा किया है। अच्छा क्या? हेलो बोलिए बोलिए। सर वो शनि शनि चंद्रमा और जो मंगल चंद्रमा का जो मिसकंसेप्शन है ना वो क्लियर करने के लिए धन्यवाद। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना ये असल में क्या है, ये झूला छाप एस्ट्रोलॉजी है। मैंने समझा सर, मैंने जो अब्सॉर्ब किया इसको आज, ऐसा अब्सॉर्ब किया जैसे पानी है, पानी की कोई शेप नहीं है। जैसे चंद्रमा को हम पानी से रिलेट कर लें तो पानी को जिस भी प्लेनेट के बर्तन में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा बेसिकली। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब इस करके इस तरह से मेरा पक्का हो गया आज, जो कि बड़ा मतलब वैसे तो मैं नहीं मानता, जैसे झूला छाप एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं सब चीजों को, शनि मंगल शनि चंद्रमा और चंद्र मंगल और ये सब, क्योंकि जनरली कुंडलियों में जैसे चंद्र मंगल बड़ा अच्छा वो बनाता है, देखा है मैंने कुंडलियों में जो एसोसिएशन अच्छा वो लिख के दिया है ना, वो वही सातवां सच है। आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताए हैं चंद्र मंगल के, आपको नेगेटिव बात भी बताई, वो रेस्टलेसनेस जो होती है। अच्छा राजेश जी बोलिए। हाँ समय बहुत हो रहा है, पौने दस हो गया है सर। एक मेरा प्रश्न ना, मेरा प्रश्न ये है सर, चंद्रमा पे जब विपरीत प्लैनेट्स की दृष्टि हो, जैसे चंद्रमा पे अगर शनि की दृष्टि है, म्यूचुअल एस्पेक्ट है, और साथ ही मंगल की भी दृष्टि आ रही है चतुर्थ चंद्रमा पर, लग्नेश चंद्रमा पर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए आपको ये समझना होगा कि जो भी नेगेटिव और मैलिफिक प्लैनेट्स हैं वो कुछ ना कुछ, देखिए मैलिफिक प्लैनेट्स को कैसे जाना जाता है, प्लैनेट्स को कैटेगराइज क्यों किया गया है बेनिफिक और मैलिफिक में, वो दृष्टि पे आधारित है। जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं जैसे स्वामी ग्रह हैं, उनकी दृष्टियां हमेशा इम्प्रूविंग दृष्टियां मानी जाती हैं मोर देन कंजंक्शन। मतलब ये है कि जैसे गुरु का एस्पेक्ट जो है वो, चाहे गुरु फंक्शनल मैलिफिक भी हो लेकिन गुरु का एस्पेक्ट हमेशा इम्प्रूविंग द भाव माना जाता है, इम्प्रूविंग द प्लैनेट। उसी तरह से शुक्र का एस्पेक्ट जो है इम्प्रूविंग द भाव एंड प्लैनेट। अब आपने दो प्लैनेट्स की अगर आपने दृष्टियां खोली हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि मंगल की तेजी और मंगल का एक्सीडेंट और मंगल का एग्रेशन वो भी एक, या समझिएगा कि दृष्टि क्या है, वो एक स्प्रेइंग, यानी कहने का मतलब है कि आपके ऊपर अगर दो अगर परफ्यूम स्प्रे कर दिया जाए, जैस्मिन और घीना, तो उसका मतलब है लेफ्ट साइड में आपके हिना डाल दिया जाए, राइट साइड में जैस्मिन, तो इसका मतलब है वेरीगेटेड सेंट आप क्रिएट हो जाएगी आपके। इसको ये कॉन्सेप्ट के रूप में समझ लीजिए, एक प्लैनेट जो अपनी दृष्टि डालता है तो वो अपने वही स्प्रे करता है अपनी बॉटल से। अब मंगल की बॉटल में क्या भरा है, उसकी बॉटल में रेस्टलेसनेस बढ़ी है, कुछ अग्रेशन भरा है, कुछ फोर्स भरा है, कुछ उसके अंदर तेजी है, कुछ गुस्सा है, कुछ क्वेरल है, बट द सेम एंटरप्राइजिंग है, कुछ लीडरशिप है, तो कुछ पॉजिटिव भी स्प्रे होगा तो कुछ नेगेटिव स्प्रे होगा। अब शनि के अंदर क्या है, उसका धैर्यवान मामला है। शनि जो है वो अलगाववादी भी है तो एट द सेम टाइम वो आईसी प्लैनेट है और धैर्यवान है, उसका धैर्य भी जाएगा। तो अब क्या होगा कि आप इस चीज को ना एक उसमें बर्तन में डाल के आप ऐसे उसको होमोजीनियस बनाइए और फिर आप सोचिए क्या होगा कि शनि की धैर्यता भी आ गई, उसका रिसर्च भी आ गया,
मंगल की हेज भी आ गई, इसका मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। एक्सेप्टिंग बैड पार्ट क्या होगा इसका, एक्सीडेंट प्रोन हो जाना, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्लैनेट पेन सफरिंग डिफिकल्टीज ऑब्स्टिकल्स एंड एक्सीडेंट से संबंधित है, डिजीजेस से संबंधित है, क्योंकि इन दोनों प्लैनेट में जो कॉमन फैक्टर है नेगेटिवली परसीव्ड, वो कॉमन फैक्टर के डबल्स पे हो जाएंगे। बस यही बात आप इसको गलत जानिए, अदरवाइज कुछ भी गलत नहीं। ये दोनों की अच्छाइयों को आप जोड़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा निकलेगा। अमरदास बहुत लेट हो गए सर, हाँ बोलिए अमर साहब बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है आपकी आवाज, आप लोगों को आ रही है अमर साहब की आवाज? नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं नहीं नहीं, आप एक बार अभी आ रहा है, अब आ रही है। सर भरणी नक्षत्र है और थर्ड हाउस में चंद्र बैठा हुआ है, किसमें? थर्ड भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में चंद्रमा का, आप ये कह रहे हैं चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो भरणी है और हाँ। तीसरे चरण का ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ सर। अच्छा ठीक है, तीसरे चरण का ना काम काम त्रिकोण का हो गया, काम त्रिकोण का होने का मतलब है कल तो भरणी जो है वो नक्षत्र भी शुक्र का है, काम त्रिकोण का ये नक्षत्र हो गया, तो काम त्रिकोण का नक्षत्र होने का मतलब है कि ये बहुत प्रमोट करेगा किस चीजों को, एक तो काम भाव से आने वाली जो है जो पैशन की चीजें हैं उनको, और थर्ड हाउस का कम्युनिकेशन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, यानी इन चीजों को प्रमोट कर देगा। शुक्र का सिग्निफिकेशन है पोएट्री राइटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्टेज शोज हैं, परफॉर्मेंस है, व्हेन द पर्सन कम्स इनटू द लाइमलाइट, वो इन सब चीजों को प्रमोट करके आदमी को लाइमलाइट में लेके आ जाएगा। इसी तरीके से जो सप्तम भाव है वो पद प्राप्ति का है, सप्तम भाव पत्नी का है, पार्टनरशिप का है, उन चीजों को प्रमोट करेगा। लेकिन पार्टनर्स में किन लोगों को लेके आएगा, क्योंकि भरणी का शुक्र है तो शुक्र प्रधान लोगों को लेके आएगा, वो जो मंत्री हों या वो शुक्र जो है वो बड़े आईएएस अधिकारी हों, बड़े अधिकारी हों। शुक्र क्या है, वो मंत्री पद का एक प्लैनेट है, तो शुक्र जहां एक तरफ मिनिस्टर्स को बताता है, वहीं दूसरी तरफ उस व्यक्ति के जीवन में शुक्र या तो विमेंस को लेके आएगा या बड़े अधिकारी को लेके आएगा, आईएएस ऑफिसर्स को लेके आएगा। इसी प्रकार से शुक्र कलाकारों को भी इसके जीवन में लेके आएगा, पार्टनरशिप भी कलाकारों से देगा, जैसे कि टी सीरीज के मालिक से कलाकार से पार्टनरशिप दे दे, कुछ भी ऐसी चीज। और 3/7/11 है, 11 का मतलब लाभ की सिचुएशन है, और उस व्यक्ति को चूंकि इस तरफ की स्किल सेट्स की भी वो का भाव है, एम्बिशन फुलफिलमेंट का है, और वो 11th हाउस है, इट इज एसोसिएटेड विद ये दिल मांगे मोर। क्यों कहते हैं 11th को, जहाँ 4th हाउस कहता है रेजुग्नेट होने के लिए घर में सो जाओ, लेकिन 11th हाउस सोने नहीं देता, क्योंकि 4th का अष्टम है, 4th को वो एनिहिलेट करता है हमेशा, जो है 11th हाउस आपको रिमाइंड कराता है कि आज तुम्हारी सेल कम रही है, कल तुम्हारी सेल इससे डबल होनी चाहिए, तो कहेगा मत सो, उठो फोन करो। तो क्या है कि वो जो 4th हाउस हमारे कुंडली का है वो हमारा रेजुविनेट होने वाला हाउस है, क्योंकि घर के माधुर्य के वातावरण में चाहता है कि हम सोएं ताकि हम नेक्स्ट डे हम रेजुविनेट होकर निकले। लेकिन जो 11th हाउस है तो उसके अष्टम में पड़ जाता है, वो सोने नहीं देता, वो चिंताएं डालता है, वो कहता है आज अचीवमेंट नहीं हुआ, आज मेरे प्रमोशन की लिस्ट नहीं आई, कल मैं फोन करूंगा क्यों नहीं आई, कल मैं हेड ऑफिस से पता करूंगा, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। 11th का ना इनसेटिएबल डिजायर मानी जाती है, वो एक लेवल पे आपको पहुंचाने के बाद भी वो कहता है, पहले लोग कहते हैं हम लखपति हो जाए, फिर करोड़पति हो, तो कहते हैं अरबपति कब होंगे। सर आपने जो बोला पूरा सही बोला, और सर जो है मेरा मतलब वो, मैं अभी गाना भी लिखता हूँ यहाँ में लोकल भाषा में, और काफी पॉपुलर भी हुआ है, मेरा यूट्यूब में भी आया हुआ है, और अभी मेरा एक गाना वो हिंदी का एक बहुत बड़ा फेमस सिंगर है वो भी गाएगा अभी। कौन? और मेरा सर इस आने वाला संडे को मेरा अवार्ड भी मिलेगा सर, पोएट्री के ऊपर सर, यहाँ पे आप लोग के आशीर्वाद से सर। अच्छा आप बताइए सीमा जी, सीमा जी को देखिए हमने बहुत देर से रोक के रखा, आप में से कोई मत पूछिए, सीमा जी ने कहा था कि मैं बाद में पूछूंगी, इन्होंने पहले बुकिंग करा ली थी। तो हमारे वहाँ
हाँ जी सर, सर मेरा एक तो लास्ट टाइम का क्वेश्चन था, जब आप मैरिज वाला करवा रहे थे तो उसमें आपने कहा था सप्तमेश मतलब भाव भाव भावेश और कारक देखना होता है, तो उसमें हमें सप्तम भाव दोनों में देखना होगा, D1 में भी और D9 में भी देखना है। अगर सप्तमेश को जैसे हम देख रहे हैं, कारक तो ऑब्वियसली एक ही रहेगा, दोनों में ही वीनस ही रहने वाला है, सप्तमेश जब देख रहे हैं हम D1 में और D9 में भी सप्तमेश D1 वाला देखना है या D9 में जो सप्तम भाव का लॉर्ड है वो देखना है, या वो किस पोजीशन पे गया, इनमें से कौन सा ज्यादा इफेक्ट डालेगा? देखिए मैंने आपको बताया था कि वेडिंग चार्ट होता है, वेडिंग चार्ट का मतलब होता है ये भावों के बलाबल को देखने का, ग्रहों के बलाबल को देखने का D9 एक टूल है हमारे पास। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पर्टिनेंट हुआ, रेलिवेंट हुआ, वो आपका D1 का सप्तमेश हो गया, यानी कि D1 के सप्तमेश की जो स्थिति है नवमांशा के अंदर अगर दुख भावों में है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। इवन D9 के अंदर में कौन सा D1 का साइन राइज कर रहा है वो भी चूंकि स्पाउसल स्पाउस को समझने के लिए चार्ट बनाया गया है, अपार्ट फ्रॉम दी फोर अदर थिंग्स। आप ही के सीमा जी आपके प्रश्न के उत्तर को देते हुए मैंने, अगर आप वीडियो में जाएंगे तो मैंने आपको ऑल द 4-5 रीजन मैंने आपको बताए थे जिसमें नवमांश की चार्ट को देखा जाता है, उसे एक इंडिविजुअल चार्ट के रूप में भी देखा जाता है, एट द सेम टाइम स्पाउस के लिए भी देखा जाता है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है कि आपका कौन सा भाव, लगन का कौन सा भाव राइज हो रहा है। सपोजिंग आपका छठा भाव राइज हो रहा है तो उसका मतलब है कि ये जहां तक स्पाउस की बात आएगी या जिंदगी के बहुत से मुकाम की बात आएगी, स्ट्रगल आपकी लाइफ का एक कोर एरिया बनेगा, क्योंकि जो छठा भाव है वो स्ट्रगल का है, कॉम्बैट एरिया का है, कुरुक्षेत्र का है, तो उसका मतलब जिंदगी की हर चीज में आप तलवार खींच के। तो जहां तक जॉब की बात है, आपके प्रोफेशन की बात है, उनमें तो तलवार खींचने से आप बहुत आगे फोर्ज अहेड करेंगी और उसमें विजित होंगी और बड़े तेजी से आप अपने रैपिड ग्रोथ को लेंगी। लेकिन जो प्यार का मुकाम है, जो घर के जो संबंध है, स्पाउसल संबंध है, उसके लिए छठा हाउस अच्छा नहीं माना जाता, ये फिर तलवार खींच के जो है घर में कोई सुख शांति नहीं रहती है। इसी तरह से अष्टम भाव अगर इसमें राइज करता है तो अष्टम भाव सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस का है, सडन लॉसेस हैं, टर्मिनल इलनेसेस हैं, टर्मिनल एक्सीडेंट्स हैं, तो ये अष्टम भाव चूंकि इंडिफरेंस का भी है, तो ये इंडिफरेंस होने की वजह से ये स्पाउस के साथ में संबंधों में इंडिफरेंट होने की तरफ को इंडिकेट करता है। और अगर 12th हाउस अगर होता है क्योंकि वो लॉस का भाव है और टू मच बैड प्लेजर का भाव है, एडिक्शन का भाव है, तो वो चीजें ओत प्रोत करता है, तो वो भी जो है पति पत्नी के संबंधों के बीच में आड़े आती है। अब आपके प्रश्न का आंसर ये हुआ कि अगर हमने सप्तमेश को देखना है तो सप्तमेश के बलाबल को हमें इसी के अंदर देखना है जो आपके नवमांश का चार्ट है, और नवमांश चूंकि आपका ये सूक्ष्म भाग है या इसका प्रारब्ध का भाव है जो आपने भोगना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नवमांश में वो त्रिकोणों में बैठे या केंद्र भाव में बैठे, अच्छे भाव में बैठे। और सर जैसे मैं अगर अपना केस लेती हूँ तो मैंने अपने आपका करने के बाद मैंने देखा उसमें D1 में सप्तमेश अपनी स्वराशि में बैठा है, सूर्य है स्वराशि में बैठा है, और D9 में जाकर वो 8th भाव में चला गया है, लेकिन राशि तुल्य नवमांश बनाती हूँ तो उसमें उसकी पोजीशन 8th भाव नहीं है, तो राशि तुल्य नवमांश में कौन सा है? राशि तुल्य नवमांश में तो सर फिर वो 7th में ही रहेगा, बिकॉज हमने तो लगन तो वही रखना है D1 वाला ही। नहीं तो आपका वर्गोत्तम है क्या सूर्य? अच्छा सॉरी सर, हाँ उसमें राशि चेंज हो रही है, मैं भी बताती हूँ सर, राशि तुल्य नवमांश में वो सर 11th हाउस में चला गया, अवांछा हो गया। अवांछा हो गया, मैंने आपको बताया था राशि तुल्य नवमांश जो है ना वो फ्लेवर बताता है इस प्लैनेट का, तो हमें जो है जो जिस बात को देखना है उसे हमें उसी चीज से देखना है, उस प्लैनेट से ही देखना है। लाभांशा हो गया, और 11th हाउस जो है वैसे सेकंड मैरिज का भी है, और 11th हाउस जो है सेकंड रिलेशनशिप का भी है, लेकिन सूर्य जैसा जो प्लैनेट है वो सूर्य कोई ऐसा फ्लेम पॉइंट प्लैनेट नहीं है, या वो कोई फ्लेंडर नहीं है, फ्लेंडर का मतलब होता है वो कोई ऐसा जो है दिल फैक्ट प्लैनेट नहीं माना जाता, कोई डिग्निफाइड का प्लैनेट है, लेकिन वो एक प्रमोटर ऑफ दी गुड मैरिड लाइफ का भी नहीं है, क्योंकि ये कि आपको मालूम होगा कुंडली के अंदर चार सेपरेटिस्ट प्लैनेट्स माने जाते हैं, सबसे पहले सूर्य है, दूसरा शनि है, तीसरा राहु है, और चौथा 12th लॉर्ड।
फोर कॉम्पोनेंट विच आर कंसिडर्ड अ सेपरेटिस्ट इन हॉरोस्कोप, उसमें तीन प्लैनेट होते हैं और एक भाव का लॉर्ड होता है। ये शायद आप लोगों को फोर्थ का न मालूम हो, सूर्य राहु और शनि, ये तो सेपरेटिस्ट माने जाते हैं, अलगाववादी, और साथ में ट्वेल्थ का लॉर्ड भी अलगाववादी। ट्वेल्थ का लॉर्ड अगर बैठता है तो वो भी एक अलगाव की स्थिति को पैदा करता है, यानी कि वो सेपरेटिस्ट हो जाता है। तो जो सूर्य चूंकि एक सेपरेटिस्ट है लेकिन स्वग्रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया तो स्वग्रही प्लैनेट भाव की कभी हानि नहीं करता, लेकिन वो भाव में उस तरह का लगाव नहीं देगा, क्योंकि सूर्य जो है टीचर है, टीचर है, काउंसलर है, कंसल्टेंट है, वो एक सेलिबसी प्रैक्टिशनर है, ब्रह्मचर्य का आदि है, विवाह को लेकर वो एक उसका एक जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन वो माधुर्य का एहसास नहीं। तो आप सीमा जी आप बताइए आपकी मैरिड लाइफ कैसी है? अच्छी है सर, अच्छी है, वेरी गुड सर। मैं इसीलिए बोल रही थी क्योंकि उसमें वो सिक्स्थ भाव आगे चला गया, इलेवेंथ भाव में गया है, अपने से सिक्स्थ में चला गया, तो या तो ये नवमांश गलत हो रहा है, मुझसे बन रहा है। नहीं आप तो, आप नरिया उसको बारह चल लाइट में देखिए ना सर, सॉरी आप उसे आप उसे सॉफ्टवेयर में देखिए ना क्या बोलते हैं। अब मेरे ख्याल से काफी देर हो गई है, अब हम आज क्लास को खत्म करते हैं, कल की क्लास में फिर आप लोग पूछिएगा, कल हम लोग 7:15 पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार सर, नमस्कार, गुड नाइट, बहुत अच्छी।